तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग यहाँ पे अपने बायोकेमिस्ट्री के यूनिट वन का लास्ट चैप्टर, जो कि हमारा बायो एनर्जेटिक्स है, उसको हम लोग यहाँ पे पूरा कवर करने वाले हैं। अब इसके अंदर हमारे यहाँ पे जितने भी टॉपिक दे रखे हैं, चाहे वो हमारा यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ बायो एनर्जेटिक्स हो, चाहे उसके बाद हमारा यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन फ्री एनर्जी एंथैल्पी एंट्रोपी हो, और उसके बाद हमारा यहाँ पे आ गया एनर्जी रिच कंपाउंड्स और रिडॉक्स पोटेंशियल, और उसके बाद एट लास्ट में हमारा यहाँ पे बायोलॉजिकल रोल ऑफ ATP एंड साइक्लिक AMP। तो सारे टॉपिक्स को आज एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, देखो मुझे नहीं पता कि कितनी लंबी होगी, तो मतलब अगर ज़्यादा लंबी हो जा रही है तो आप लोग 2-3 पार्ट में देख लेना। बाकी देखो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आज की वीडियो देखने के बाद आप लोग को इस टॉपिक पे कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। और देखो आज आप लोग को थोड़ा सा बायोकेमिस्ट्री का फील आने वाला है, ठीक है। मतलब देखो यहाँ पे अभी तक आप लोगों ने जितने लेक्चर्स देखे वो इजी थे, मतलब अभी तक जितने भी टॉपिक हम लोगों ने देखा वो कहीं ना कहीं समझ आ जाने वाले थे, ठीक है। लेकिन आज आप लोग को अपना थोड़ा सा फोकस रखना होगा और कॉपी और पेन लेके बैठना और मेरी बातों को ध्यान से सुनना। बाकी इन सारी बातों के साथ हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे बायो एनर्जेटिक्स की, तो ये हमारा यहाँ पे दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। पहला हो गया हमारा यहाँ पे बायो और दूसरा हो गया हमारा यहाँ पे एनर्जेटिक्स। अब यहाँ पे जो हमारा बायो है तो उसका मतलब हमारा क्या हो गया, लाइफ या फिर लिविंग बींग, यानी कि हम लोग, ठीक है। और जो हमारा एनर्जेटिक्स है उसका मतलब क्या हो गया, स्टडी ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे देखो जो हमारी बायो एनर्जेटिक्स है, ठीक है, इसके अंदर हम लोग करते क्या है, बायो एनर्जेटिक्स इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ चेंज इन एनर्जी टेक्स प्लेस ड्यूरिंग बायोलॉजिकल रिएक्शंस। यानी कि देखो यहाँ पे हमारी जो बॉडी है उसके अंदर जितनी भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस हो रही हैं, देखो यहाँ पे आप लोग ये मत समझो कि जब आप लोग कुछ बाहर से काम करते हो, ठीक है, तभी हमारी बॉडी में कुछ एक्शन वगैरह होता है। देखो हमारी बॉडी यहाँ पे जब शांत रहती है तब भी उसके अंदर यहाँ पे बहुत सारी रिएक्शन चलती रहती हैं। तो वहाँ पे वो सारी जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस हैं तो उसमें यार यहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत तो पड़ेगी। यानी कि अगर कोई भी एक्शन या फिर रिएक्शन हो रही है बॉडी के अंदर तो उसको एनर्जी तो चाहिए होगा। तो वहाँ पे जो अपनी एनर्जी है तो उसके अंदर यहाँ पे कितना चेंज आता है, ठीक है, और कैसे यहाँ पे एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है, कैसे उसका प्रोडक्शन होता है, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हम लोग जो है अपनी बायो एनर्जेटिक्स के अंदर जो है पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पे जो हमारा बायो एनर्जेटिक्स है इसको हम लोग यहाँ पे बायो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो है थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल पे बेस होता है। अभी हम लोगों को उसी को काफ़ी डिटेल में देखना है और आप लोगों को काफ़ी फोकस करना है उस वाले पार्ट पे, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखो द सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस इनसाइड अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। अब आप लोगों को अगर थोड़ा आप लोगों ने HAP पढ़ा है तो पता ही होगा कि हमारी बॉडी में जो जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती हैं उनको अगर हम लोग यहाँ पे एक साथ बोले तो हम लोग उसको मेटाबॉलिज्म बोल सकते हैं। अब ये भी हमारे यहाँ पे दो टाइप का होता है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। लेकिन देखो अभी हम लोग को यहाँ पे उस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। तो बात करें हम लोग यहाँ पे अपने प्रिंसिपल ऑफ बायो एनर्जेटिक्स की। अब देखो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा ना अपनी बायोलॉजी वाला पार्ट हटाओ, अब आप लोग को थोड़ा सा केमिस्ट्री वाला पार्ट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा फोकस करना है। तो जो हमारा यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ बायो एनर्जेटिक्स है तो बायो एनर्जेटिक्स यहाँ पे हमारा लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो करता है। अब देखो जो हमारा यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स है तो उसके अंदर हमारे यहाँ पे चार लॉ होते हैं। पहला होता है हमारे यहाँ पे जीरोथ लॉ। अब देखो यहाँ पे एक जीरोथ लॉ भी आ जाता है तो फर्स्ट लॉ हमारा सेकंड हो जाता है, मतलब समझ रहे हो ना, ये हमारा एक हो गया, दो, तीन, चार। तो यहाँ पे इस तरह करके हमारे चार लॉ होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमारा बायो एनर्जेटिक्स है ये मेनली हमारे यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड लॉ, देखो यहाँ पे इस वाले फर्स्ट और सेकेंड लॉ पे फोकस करता है। अब देखो अगर आप लोगों ने 11th क्लास में केमिस्ट्री में यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स को थोड़ा बहुत पढ़ा है तो यहाँ पे ये लेक्चर थोड़ा इजी हो जाएगा, और अगर नहीं भी पढ़ा है तो हम लोग उसको दोबारा से काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आप लोग बस थोड़ा सा अपना दिमाग खोल के बैठना, ठीक है। तो बात करें हम लोग यहाँ पे अपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट लॉ क्या कहता है, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अकॉर्डिंग टू दिस एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अब देखो बचपन से ही आप लोग सुनते हुए आ रहे हो कि जो एनर्जी होती है उसको ना तो यहाँ पे प्रोड्यूस किया जा सकता है ना तो उसको ख़त्म किया जा सकता है, उसको केवल यहाँ पे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब देखो इस चीज़ को ना आप लोग बिल्कुल फील लेके समझना। देखो हमारी बॉडी में एनर्जी का सबसे मेजर सोर्स क्या होता है, ATP होता है। अब आप मुझे एक बात बताओ कि ATP यहाँ पे हमारी बॉडी में कैसे प्रोड्यूस होती है, आप लोग को क्या लगता है जो हमारा ATP है जो कि हमारी बॉडी में मेजर एनर्जी का फॉर्म है वो हमारी बॉडी में अपने आप प्रोड्यूस हो रहा है? देखो अपने आप नहीं हो रहा है, यहाँ पे देखो क्या होता है,
देखो यहाँ पे इस पूरे यूनिवर्स में जो एनर्जी का सबसे मेजर सोर्स होता है वो होता है हमारा यहाँ पे सोलर एनर्जी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो हमारा पूरा वर्ल्ड होता है उसमें जो सबसे मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है वो हमारा सोलर एनर्जी होता है। तो यहाँ पे होता क्या है, देखो ये जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं ये क्या करते हैं, ये सन एनर्जी को यहाँ पे यूटिलाइज करते हैं और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा यहाँ पे क्या करते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। अब ग्लूकोज हमारा यहाँ पे जो भी हमारे फल होते हैं, ठीक है, और सब्जियाँ होती हैं उनके फॉर्म में होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो हम लोग यहाँ पे अपने मतलब जो भी फूड होता है उसको खाते हैं। अब फूड के अंदर मेनली हमारा यहाँ पे ग्लूकोज ही होता है। तो जो हमारा ह्यूमन बॉडी होती है, ठीक है, उनके अंदर यहाँ पे जो सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है तो उसके थ्रू क्या होता है कि ग्लूकोज से हमारा यहाँ पे ATP का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे ATP अपने आप नहीं आई। देखो यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारी सोलर एनर्जी है वो पहले यहाँ पे ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट हुई, फिर ग्लूकोज हमारे यहाँ पे ATP के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पे देखो एनर्जी का कन्वर्जन ही हो रहा है, यहाँ पे एनर्जी अपने आप प्रोड्यूस नहीं हो रही है। और वही चीज हमारा यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है। अब देखो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इसने ये तो बता दिया कि इस पूरी दुनिया में अगर कोई भी प्रोसेस होगी तो उसमें जो हमारी टोटल एनर्जी है वो हमारे यहाँ पे कंजर्व रहेगी, ठीक है। यानी कि ना तो वो डिस्ट्रॉय होगी ना तो उसको क्रिएट किया जा सकेगा, वो यहाँ पे सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकेगी। लेकिन इसने यहाँ पे एक चीज़ नहीं बताई कि जो हमारी कोई भी प्रोसेस है तो वो होगी कि नहीं होगी। देखो इसने यहाँ पे इस चीज़ को समझना, इसने यहाँ पे ये तो बता दिया कि अगर इस पूरे वर्ल्ड में कोई भी प्रोसेस है या फिर कोई भी रिएक्शन है, ठीक है, अगर केमिस्ट्री के टर्म्स में बात करें तो मान लो कोई भी रिएक्शन है, जैसे मान लो ए से बी में कोई प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे रिएक्टेंट से यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है, तो यहाँ पे इसने ये तो बता दिया कि अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा तो हमारा जो टोटल एनर्जी है वो यहाँ पे कंजर्व रहेगा। लेकिन इसने यहाँ पे ये नहीं बताया कि कौन सी रिएक्शन होगी और कौन सी रिएक्शन नहीं होगी। यानी कि जो हमारा ए है उससे हमारा बी बनेगा भी कि नहीं बनेगा, इसने हमारा ये नहीं बताया। तो यहाँ पे हमारा आया यहाँ पे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब देखो यहाँ पे इस वाले थ्योरी पोर्शन को अभी हटाओ, अब आप लोगों को पूरा यहाँ पे फोकस करना है मेरी बातों पे, ठीक है, और यहाँ पे इस वाले पेज पे। यहाँ पे देखो अब आप लोग जो है अगर अभी तक भी नहीं बैठे हो तो कॉपी पेन लेके थोड़ा सा बैठो, तभी अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो जो हमारा यहाँ पे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये बेसिकली हमें ये बताने वाला है कि जो हमारा ये यूनिवर्स है, इस पूरे यूनिवर्स में यहाँ पे कौन सी प्रोसेस या फिर कौन सी रिएक्शन जो है अपने आप हो जाएगी, या फिर उसको जो है कराने के लिए हमें जो है बाहर से कुछ एनर्जी वगैरह सप्लाई करने की ज़रूरत पड़ेगी। देखो थोड़ा सा समझना, देखो कोई भी प्रोसेस यहाँ पे हमारी दो टाइप की होती है, ठीक है, एक जो अपने आप हो जाती है यानी जिसके अंदर यहाँ पे सेल्फ अकरेंस की जो है क्षमता होती है या फिर कह सकते हो टेंडेंसी होती है, ठीक है, सेल्फ अकरेंस यानी कि इसको इस प्रोसेस को या फिर इस रिएक्शन को कराने के लिए हमें बाहर से कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो अभी समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी कोई प्रोसेस है अगर उसके अंदर यहाँ पे सेल्फ अकरेंस की क्षमता है यानी कि वो यहाँ पे सेल्फ अकर हो सकती है तो ऐसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस, देखो स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है कि स्पॉन्टेनियस हमारी ऐसी प्रोसेस या फिर ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो कि अपने आप हो जाती हैं, जिनको कराने के लिए हमें यहाँ पे बाहर से कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और एक टाइप की प्रोसेस हमारी ऐसी होती है जिसके अंदर यहाँ पे सेल्फ अकर की क्षमता नहीं होती है, यानी कि ये यहाँ पे जो है अपने आप नहीं होती है, यानी कि इनके अंदर जो है नो टेंडेंसी होती है टू सेल्फ अकर, यानी कि ये जो है अपने आप नहीं हो सकती है। अगर इनको हमें कराना है तो हमें यहाँ पे बाहर से कुछ एनर्जी वगैरह सप्लाई करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसी प्रोसेस जो कि अपने आप नहीं होती है, ऐसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब देखो इसका यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल हैं, इस पूरे यूनिवर्स में यहाँ पे बहुत सारे इसके अच्छे अच्छे एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें तो देखो जो हमारी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है अगर हम लोग इसकी बात करें तो अगर आप लोग जैसे हमारे घर में टोटी वगैरह लगी है, नल वगैरह लगा है, तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे नल को ओपन करते हो तो पानी यहाँ पे अपने आप जो है नल से नीचे गिरने लगता है कि नहीं, है ना, उसमें हमें यहाँ पे कुछ भी अलग से देने की ज़रूरत तो पड़ती नहीं है। आप लोगों ने टोटी ऑन की और पानी यहाँ पे डायरेक्टली नीचे गिरना चालू हो गया। लेकिन अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या ये जो पानी हमारा नीचे गिर रहा है क्या इस पानी को आप लोग यहाँ पे दोबारा से नल में भेज सकते हो? यानी कि अगर सिंपली बात करें तो पानी, देखो पानी हमारा यहाँ पे हाई यानी कि अगर ऊंचाई पे रखा हुआ है तो हाई से लो तो हमारा आ जाता है, लेकिन क्या इसी पानी को आप लोग जो है नीचे से ऊपर भेज सकते हो? क्या नीचे लो से हाई जा सकता है? देखो लो से हाई भी जा सकता है लेकिन उसके लिए हमें यहाँ पे एनर्जी लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, अभी देखना कैसे जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखो जो हमारा हाई से लो आने की प्रोसेस है इसको हम लोग बोलते हैं स्पॉन्टेनियस,
स्पॉन्टेनियस का मतलब यहाँ पे अपने आप हो रहा है, इसके लिए हमें कुछ भी जरूरत नहीं पड़ रही है। हम लोगों ने यहाँ पे नल को खोला, पानी अपने आप नीचे गिरना चालू हो गया। लेकिन यहाँ पे जो हमारी ऐसी प्रोसेस होती है कि अगर हम लोग अब मान लो पानी को नीचे से ऊपर भेजना, तो देखो ये भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? देखो आपके घर में मोटर लगा है, देखो जब आप लोग मोटर ऑन करते हो तो मोटर क्या करता है, मोटर यहाँ पे नीचे से पानी को ऊपर टंकी में भेजता है कि नहीं भेजता है? तो मोटर क्या करता है, मोटर यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या करता है, यहाँ पे जो है खुद चलता है, ठीक है, और यहाँ पे क्या करता है, पानी को जो है नीचे से ऊपर भेज देता है, यानी पानी यहाँ पे लो से हाई चला जाता है। लेकिन कैसे जाता है, जब हम लोगों ने यहाँ पे बाहर से एनर्जी दी, एनर्जी किस फॉर्म में दी, इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में दी, और एनर्जी को यहाँ पे यूटिलाइज किसने किया, मोटर ने किया, यानी कि यहाँ पे हमें क्या हुआ, बाहर से सोर्स लगाने की जरूरत पड़ी। तो ऐसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। यानी कि देखो जो हमारी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है, वो हो सकती है, ऐसा नहीं कि हो नहीं सकती है, लेकिन उसके लिए हमें यहाँ पे बाहर से एनर्जी लगाने की जरूरत पड़ती है। यानी सिंपली बात करें तो इनके अंदर नो टेंडेंसी टू अकर, यानी खुद से होने की जो है टेंडेंसी नहीं होती है, अकर्स ओनली इफ कॉन्टिन्यूअस एनर्जी सप्लाई। देखो इस चीज को समझना, कॉन्टिन्यूअस, देखो ऐसा भी नहीं है कि एक बार आप लोगों ने एनर्जी हल्का सा दे दी तो ये होने लगेंगी। देखो यहाँ पे मोटर जब तक चलता है तब तक ही पानी ऊपर जाता है। अगर मोटर को आप लोग, ऐसा थोड़ी है कि मोटर को आप लोगों ने एक बार चला दिया फिर बंद कर दिया, पानी अपने आप ऊपर जा रहा है मस्त, ऐसा तो होता नहीं है। आप लोगों को मोटर को कंटिन्यू चालू रखना पड़ता है, तब जाके पानी ऊपर जाता है। यानी जब हमें यहाँ पे कंटिन्यूअस एनर्जी की सप्लाई देते हैं तब जाके हमारी कोई भी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे जो हमारा सेकेंड लॉ है, ध्यान से सुनना, जो हमारा सेकेंड लॉ है ये बेसिकली हमें ये बताएगा, हम लोग मतलब यहाँ पे कुछ ट्रिक वगैरह देखेंगे जिसकी वजह से हमें ये पता चल जाएगा कि इस पूरी दुनिया में कोई भी जो प्रोसेस है वो हमारी स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है। देखो इसको ना बिल्कुल सिंपली समझो कि ये सब तो चलो बहुत इजी एग्जांपल है कि हम लोगों ने नल का पानी खोला, ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा नल का पानी नीचे गिरने लगा तो हम लोगों ने देख के पहचान लिया कि हमारा ये स्पॉन्टेनियस है और नीचे से ऊपर जा रहा है तो नॉन स्पॉन्टेनियस है। लेकिन अगर मान लो हम लोग जो है कोई रिएक्शन वगैरह करवा रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लो कोई ए है, अब उससे हमारे यहाँ पे कोई बी प्रोडक्ट बन रहा है, तो अब आप ये बताओ कि इस रिएक्शन में आप लोग कैसे पता लगाओगे कि ये हमारा स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है। देखो कोई रिएक्शन है वो आप लोग को दे दी गई, क्या इस रिएक्शन को देख के आप लोग बता सकते हो कि हमारा ये स्पॉन्टेनियस है, ठीक है, स्पॉन्टेनियस है या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस है? देखो रिएक्शन को देख के आप लोग जो है डायरेक्टली नहीं बता सकते हो, इसके लिए आप लोग को कुछ चीज़ों का टेस्ट करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें मेजर करनी पड़ेंगी। तो वो जो हमारे टेस्ट होते हैं, वो जो मेजरमेंट होती है, वही सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आई। यानी कि सेकेंड लॉ बेसिकली हमें क्या बताने वाला है कि इस पूरी दुनिया में कौन सी प्रोसेस हमारी स्पॉन्टेनियस है, यानी कि कौन सी प्रोसेस जो है अपने आप होगी और कौन सी प्रोसेस यहाँ पे अपने आप नहीं होगी। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे इतना समझ गए होंगे कि सेकेंड लॉ आखिर जो है बात किस बारे में करने वाला है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि जो हमारी प्रोसेस है वो हमारी स्पॉन्टेनियस है या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो अब देखो यहाँ पे जो हमारी कोई भी रिएक्शन है उसकी स्पॉन्टेनिटी या फिर नॉन स्पॉन्टेनिटी को चेक करने के लिए हमारे पास यहाँ पे तीन पैरामीटर है। यानी कि तीन पैरामीटर पे हम लोग जो है किसी रिएक्शन की स्पॉन्टेनियस या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस होने को चेक करते हैं। तो पहला पैरामीटर आया हमारे यहाँ पे एंथैल्पी, ठीक है, और दूसरा पैरामीटर आया हमारे यहाँ पे एंट्रोपी, और थर्ड एंड फाइनल पैरामीटर हमारा यहाँ पे आया गिब्स फ्री एनर्जी। तो इन तीनों को हम लोग यहाँ पे एक एक करके देखेंगे, ठीक है। गिब्स एनर्जी मतलब फ्री होता है, गिब्स फ्री एनर्जी। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करते हैं अपने एंथैल्पी के बारे में, ठीक है, एंथैल्पी। अब देखो जो हमारा एंथैल्पी है ये हमारा क्या कहता है कि अगर कोई भी रिएक्शन है, अगर कोई हमारा ए जो है रिएक्टेंट है और उससे हमारा बी प्रोडक्ट बन रहा है, तो अगर इस रिएक्शन में हमारी जो है एनर्जी रिलीज हो रही है, ध्यान से सुनना, एनर्जी रिलीज हो रही है, अगर कोई भी रिएक्शन हमारी हो रही है और उसमें हमारा एनर्जी जो है हीट के फॉर्म में रिलीज होगी बेसिकली, है ना, कोई भी रिएक्शन होती है तो उसमें जो हमारी एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में ही रिलीज होती है। तो अगर हमारी कोई भी रिएक्शन है और उसमें जो हमारी हीट रिलीज हो रही है तो ऐसी रिएक्शंस या फिर प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पॉन्टेनियस, ठीक है। यानी एंथैल्पी ने क्या बोला कि अगर कोई भी रिएक्शन है उसमें हमारी एनर्जी रिलीज हो रही है तो वो प्रोसेस होती है हमारी स्पॉन्टेनियस। और यहाँ पे ध्यान से सुनना, अगर कोई भी रिएक्शन है अगर उसमें यहाँ पे एनर्जी या फिर हीट रिलीज हो रही है तो उस रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शंस। देखो ये सारी चीज़ें ना अभी आप लोग को बहुत अच्छे से मिलने वाली है, तो एक एक चीज़ को थोड़ा सा दिमाग में रखना। एक्जोथर्मिक रिएक्शन, देखो एक्जोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जिसके अंदर यहाँ पे एनर्जी या फिर हीट रिलीज होती है, और ऐसी प्रोसेस हमारी क्या होती है, स्पॉन्टेनियस होती है।
और अब यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, और ऐसी प्रोसेस के लिए जो हमारी एंथैल्पी है, अब देखो एंथैल्पी को हम लोग यहाँ पे एच से डिनोट करते हैं, लेकिन हम लोग मेजर करते हैं यहाँ पे चेंज इन एंथैल्पी। तो जो हमारा चेंज इन एंथैल्पी होता है उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा एच से। देखो डेल्टा का मतलब होता है चेंज। तो ऐसी रिएक्शन जहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, और जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जो कि स्पॉन्टेनियस होती है, उसके लिए हमारे यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव। निगेटिव देखो, निगेटिव का मतलब क्या है कि यहाँ पे एनर्जी का लॉस हुआ। देखो यहाँ पे ए से बी बनने में क्या हुआ, एनर्जी रिलीज हुई, यानी एनर्जी का लॉस हो गया। तो लॉस हो गया इसका मतलब यहाँ पे डेल्टा एच यहाँ पे निगेटिव हो गया। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसी रिएक्शन जिनके लिए यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू जो है निगेटिव आती है, उन रिएक्शंस को हम लोग यहाँ पे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोल सकते हैं। और ऐसी रिएक्शंस हमारी क्या होती है, एक्सोथर्मिक। अब अगर इसी का उल्टा कर दिया जाए, तो अगर मान लो यहाँ पे सिंपली बात करें, तो अगर हमारा कोई भी रिएक्शन है, यानी कि मान लो ए से हमारा बी बन रहा है, ठीक है, और वहाँ पे अगर हमारा डेल्टा एच जो है पॉजिटिव आ गया, तब क्या होगा। देखो अगर डेल्टा एच पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब ये होगा कि जो हमारा ए से बी बन रहा है, ठीक है, इसमें हमें एनर्जी जो है देनी पड़ेगी, एनर्जी जो है हमें बाहर से देनी पड़ेगी, यानी इसने क्या किया, एनर्जी को जो है एब्जॉर्ब किया, एनर्जी को एब्जॉर्ब या फिर एनर्जी को टेक किया। तो ऐसी रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसी रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक। देखो थोड़ा सा हो सकता है आप लोग के लिए नया हो, बट अगर समझ गए ना तो आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो सिंपल है, ऐसी रिएक्शंस जिनके अंदर यहाँ पे एनर्जी हमें खुद से देनी पड़ती है, उन रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। और ऐसी रिएक्शंस के लिए हमारा जो डेल्टा एच है वो हमारा पॉजिटिव आता है। और ऐसी रिएक्शन हमारी बताओ कैसी होंगी, अब बताओ, जो रिएक्शन है जिसमें हमें एनर्जी देनी पड़ रही है, ठीक है, वो रिएक्शन हमारी स्पॉन्टेनियस होगी या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, बताओ, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। हम लोगों ने क्या देखा, ऐसी रिएक्शन या फिर ऐसी प्रोसेस जहाँ पे हमें एनर्जी देनी पड़े वो क्या होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस। देखो यहाँ पे हमें क्या पड़ रहा था, हम लोग यहाँ पे मोटर से एनर्जी दे रहे थे, तब हमारी नॉन स्पॉन्टेनियस हो रही थी। और जो अपने आप हो जा रहा था, जिसमें यहाँ पे हमें कुछ भी एनर्जी नहीं देनी पड़ रही है, बल्कि यहाँ पे तो एनर्जी हमें खुद से मिल रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, तो एनर्जी रिलीज हो रही है तो स्पॉन्टेनियस, और अगर एनर्जी देनी पड़ रही है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पे देखो एंथैल्पी ने मस्त अपना बता दिया, ठीक है, यानी कि एंथैल्पी अगर हम लोग एक सिंपल वर्ड में बोलना चाहें तो एंथैल्पी यहाँ पे सिंपली ये बताया कि डेल्टा एच अगर हमारा नेगेटिव है तो प्रोसेस हमारी क्या होगी, स्पॉन्टेनियस, सिंपल, ठीक है, एक वर्ड में। और अगर डेल्टा एच की वैल्यू हमारी पॉजिटिव है तो प्रोसेस हमारी क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो देखो सब कुछ तो यहाँ पे मस्त चल रहा था, एंथैल्पी ने यहाँ पे अपनी जो भी थ्योरी दी थी वो यहाँ पे ज़्यादातर रिएक्शंस और ज़्यादातर प्रोसेस में लागू भी हो गई। लेकिन यहाँ पे हमारी कुछ रिएक्शंस हमें ऐसी भी देखने को मिलने लगी जहाँ पे क्या हुआ, देखो जहाँ पे ये जो हमारी एंथैल्पी की थ्योरी है वो हमारी फेल कर गई। अब ऐसी रिएक्शंस की अगर एक बहुत मोस्ट कॉमन एग्जांपल की बात करें, तो जो हमारा आइस क्यूब होता है, यानी जो हमारा बर्फ होता है, तो आप लोग को पता है कि बर्फ को अगर हम लोग यहाँ पे ओपन, मतलब ओपन में रख देते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, बर्फ हमारा यहाँ पे लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ना, यानी बर्फ हमारा यहाँ पे वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब आप लोग यहाँ पे मुझे एक बात बताओ कि जो हमारा आइस है, अब देखो यहाँ पे आइस को वाटर में कन्वर्ट होने के लिए क्या हमें कुछ बाहर से करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता, यानी कि ये एक टाइप की स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ना, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, यानी कि ये देखो अपने आप हो जाता है, हमें बाहर से कुछ भी नहीं करना पड़ता है। तो अगर हम लोग एंथैल्पी के हिसाब से बात करें, तो एंथैल्पी हमारी क्या कहती है, एंथैल्पी कहती है कि जो हमारी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है उसके लिए हमारे यहाँ पे डेल्टा एच जो है निगेटिव होगा, यानी सिंपली बात करें तो हमारी जो एनर्जी है वो यहाँ पे रिलीज होगी, या फिर कह सकते हो हीट। देखो एनर्जी, हीट, देखो इन चीज़ों में कन्फ्यूज मत होना, बेसिकली जो हमारी केमिस्ट्री है उसमें हमारा एनर्जी का मेजर फॉर्म हमारा हीट होता है, तो इसीलिए यहाँ पे इन दोनों वर्डों में आप लोग कन्फ्यूज मत होना। देखो दोनों अलग हैं डेफिनेटली, बट यहाँ पे हम लोग जो है एक ही में बात करेंगे। तो यहाँ पे हमारी कोई भी प्रोसेस है अगर वो हमारी स्पॉन्टेनियस है अकॉर्डिंग टू एंथैल्पी, तो उसमें हमारी हीट यहाँ पे रिलीज होगी। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो, तो आइस को जब लिक्विड में कन्वर्ट होना है तो वहाँ पे क्या होता है, देखो आइस यहाँ पे सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करता है, रिलीज नहीं करता है। आप मुझे सिंपली एक बात बताओ कि कोई भी बर्फ का टुकड़ा है, ठीक है, अगर वो यहाँ पे पानी में कन्वर्ट हो रहा है तो वो हीट को रिलीज एब्जॉर्ब कर रहा है कि हीट को रिलीज कर रहा है। देखो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है सराउंडिंग से, तभी तो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है और अपने आप भी हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा एंथैल्पी जो है क्या हुआ, फेल कर गया, ठीक है। और यहाँ पे हमारा आ गया जो है सेकंड थ्योरी, जो कि है हमारा एंट्रोपी। देखो हमारा यहाँ पे तीन जो है थ्योरी आई, ठीक है, पहली आई हमारी एंथैल्पी, ठीक है, तो वो यहाँ पे कुछ कुछ जगह फेल कर गए। फिर दूसरा आया हमारे यहाँ पे एंट्रोपी। अब एंट्रोपी को भी हम लोग देखेंगे जो कि ज़्यादातर यहाँ पे सही साबित हुई, बट एक दो जगह हमारा ये भी फेल हो गया। और एट लास्ट में आया हमारे यहाँ पे गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है।
तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है यार। देखो अगर आप लोग को अभी तक समझ में आ रहा है तो मज़ा आ रहा होगा, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखो मतलब क्या बोले यार, नहीं समझ में आ रहा है, देखो नहीं समझ में आ रहा है तो स्किप कर देना, ठीक है। अभी हम लोग नोट्स में भी देख लेंगे उसको, तो आप लोग नोट्स वाला समझ लेना। तो यहाँ पे हमारी स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को समझाने के लिए एंथैल्पी तो हमारे यहाँ पे फेल कर गया, तो अब आया हमारा यहाँ पे एंट्रोपी। अब देखो एंट्रोपी हमारा क्या होता है, देखो इस चीज़ को थोड़ा सा समझना। एंट्रोपी हमारा होता है मीजरमेंट ऑफ रैंडमनेस, मीजरमेंट ऑफ रैंडमनेस। अब देखो रैंडमनेस का क्या मतलब है यहाँ पे, देखो अभी हम लोग बता रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारा रैंडमनेस है इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है कि एंट्रोपी ने हमारा ये बताया कि अगर कोई भी प्रोसेस यहाँ पे स्पॉन्टेनियस है, अगर कोई भी प्रोसेस यहाँ पे स्पॉन्टेनियस है तो उसकी जो यहाँ पे रैंडमनेस है वो यहाँ पे इंक्रीज होगी। यानी कि आप लोग सिंपली कह सकते हो कि एंट्रोपी यहाँ पे क्या होगा, एंट्रोपी जो है यहाँ पे बढ़ेगी अगर कोई प्रोसेस यहाँ पे स्पॉन्टेनियस है। अब देखो रैंडमनेस से यहाँ पे मतलब क्या है, देखो अभी हम लोग इसको दो तरीके से समझ सकते हैं। देखो केमिस्ट्री के टर्म में तो हम लोग समझेंगे ही, लेकिन सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा जो है अपनी एक डेली लाइफ में समझते हैं। देखो यहाँ पे जो हमारा ये हमारी जो पूरी दुनिया है ना, इसमें हमारी जो कोई भी प्रोसेस है वो हमारी रैंडमनेस को ही फोकस करती है। यानी कि इसको ऐसे समझो कि मतलब यहाँ पे देखो जो हमारी ये जो हमारा वर्ल्ड है, ठीक है, जो हमारा यूनिवर्स है, इस पूरी दुनिया में जो ज़्यादातर चीज़ें होती हैं ना, या फिर आप कह सकते हो कि जो स्पॉन्टेनियस चीज़ें होती हैं यानी कि जो अपने आप होती हैं, वो रैंडमनेस पे ही फोकस करती हैं। देखो मुझे पता है कि आप लोग को थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा है, देखो इसको ना बिल्कुल ऐसे समझो, आप लोग टाइम टेबल बनाते हो, देखो सभी ने कभी ना कभी तो जो है एक टाइम टेबल बनाया ही होगा। अब टाइम टेबल आप लोग बनाते हो और उसमें आप लोग क्या है मस्त मस्त चीज़ें लिखते हो, ठीक है, कि यहाँ पे सुबह 5 बजे उठना है और यहाँ पे दिन में जो है, हम लोग मानते हैं कि आप लोगों ने टाइम टेबल बनाया और आपने लिखा कि आप लोग जो है दिन में 6 घंटे पढ़ोगे, ठीक है, 6 आवर्स आप लोग स्टडी करोगे। अब आप मुझे एक बात बताओ कि कितने परसेंट चांस है कि ये जो आप लोगों ने 6 आवर्स स्टडी लिखी है ये आप लोग करोगे। देखो इसके यहाँ पे चांस तो 2% भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने 6 आवर लिखा है तो बहुत मुश्किल है कि आप लोग यहाँ पे मतलब हो सकता है कि पहले दिन अगर बहुत मोटिवेटेड हो तो 4 आवर कर लो, है ना, पहले दिन बहुत मोटिवेटेड हो तो 4 आवर कर लो, फिर दूसरे दिन यहाँ पे 2 आवर, ठीक है, और तीसरे दिन यहाँ पे 1 आवर, और इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, हो सकता है चौथे दिन फिर थोड़ा सा जोश आ जाए तो यहाँ पे फिर से मान लो 3 आवर हो गया। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, आप लोगों ने जो 6 आवर लिखा था अगर इसको आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा हो जाता है एक फिक्स चीज़, ठीक है, फिक्स्ड ऑर्डर, फिक्स्ड ऑर्डर। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग एक्चुअल रियलिटी की बात करें तो रियलिटी हमारी क्या होती है, रियलिटी हमारी यही होती है कि ये फिक्स चीज़ें नहीं हो पाती हैं। देखो इसका मतलब क्या है, ये रैंडम हुआ, रैंडमली चीज़ें होती हैं। यानी कि देखो ये जो हमारा यूनिवर्स है ना, ये यहाँ पे रैंडम को फॉलो करता है, रैंडमनेस को फॉलो करता है। यानी कि हमारे इस पूरे यूनिवर्स में जो ज़्यादातर चीज़ें होती हैं वो रैंडम तरीके से होती हैं, एक फिक्स्ड ऑर्डर में नहीं होती हैं। अच्छा चलो इसको एक बहुत ही बेटर एग्जांपल से आप लोग समझो कि आप लोग क्या करो, मान लो आप लोग जो है एक एक के सिक्के लो, ठीक है, एक एक के 3 सिक्के लो, और यहाँ पे देखो तीनों सिक्के आप लोग क्या करो, एक एक रुपए के 3 सिक्के लो। देखो इसको आप लोग बिल्कुल करके देख लो, 3 सिक्के लो और तीनों को एक साथ उछालो, तीनों को एक साथ उछालो, और आप लोग यहाँ पे अपने मन में कुछ अज्यूम कर लो, यानी चलो मन में अज्यूम कर लो कि यहाँ पे तीनों का हेड आना चाहिए, तीनों का हेड आना चाहिए, आप लोग ने तीनों सिक्के उछाले और तीनों का यहाँ पे हेड आना चाहिए। अब आप लोगों ने तो चलो अज्यूम कर लिया कि हेड आना चाहिए, अब आप मुझे एक बात बताओ कितने परसेंट चांस है कि तीनों में हेड आ जाएगा, बिल्कुल भी चांस नहीं आएगा, ठीक है, मतलब हो सकता है कि कुछ जादू वगैरह हो जाए तो तीनों में हेड आ जाए, वरना चांसेस क्या है कि किसी में हेड आ जाएगा, किसी में टेल आ जाएगा, ठीक है, फिर किसी में हेड आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे देखो चीज़ें जो है रैंडम तरीके से होंगी, ठीक है, एक फिक्स या फिर ऑर्डर में होने के बहुत कम चांसेज हैं। तो देखो यहाँ पे जो हमारी एंट्रोपी है ना, इसने बिल्कुल यही चीज़ बताई है। एंट्रोपी ने क्या बताया कि अगर यहाँ पे हमारी कोई भी प्रोसेस है, चाहे वो वर्ल्ड में हो चाहे वो केमिकल केमिस्ट्री के अंदर हो, तो अगर वो स्पॉन्टेनियस है यानी कि अगर उसके अंदर अपने आप होने की टेंडेंसी है तो उसकी यहाँ पे क्या होगा, उसकी यहाँ पे जो रैंडमनेस है वो यहाँ पे इंक्रीज होगी, है ना, रैंडमनेस क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब देखो इसको बिल्कुल ऐसे समझो, इसको अगर हम लोग, अब देखो यहाँ पे एंट्रोपी को अगर हम लोग अपने उस बर्फ़ वाले एग्जांपल में लगाएं, यानी कि आइस का जो है वाटर में पिघलना, ठीक है, वाटर में पिघलना, अगर इसमें हम लोग अपनी एंट्रोपी को लगाएं तो यहाँ पे देखो अगर हम लोग आइस की बात करें तो आइस हमारा क्या होता है, आइस हमारा होता है एक सॉलिड, ठीक है, और वाटर हमारा क्या होता है, वाटर होता है हमारा एक लिक्विड। अब देखो आप लोगों ने बचपन से ही पढ़ा होगा कि जो हमारा सॉलिड है अगर हम लोग इसके मॉलिक्यूलर उसको देखें, ठीक है, मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन को देखें, तो यहाँ पे जो हमारा सॉलिड है ना इसके अंदर जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत जो है पास पास और एक ऑर्डर वे में रहते हैं। देखो समझना इसको थोड़ा सा, देखो यहाँ पे क्या है जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत पास पास हैं और एक ऑर्डर वे में है, ऑर्डर में है। देखो यहाँ पर रैंडमनेस को आप लोग बोल सकते हो, डिसऑर्डर भी बोल सकते हो, डिसऑर्डर, ठीक है,
यानी कि यहाँ पे चीज़ें ऑर्डर में नहीं होंगी। लेकिन अगर वहीं हम लोग लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की बात करें तो यहाँ पे आप लोग को पता है इनके बीच में जो हमारा मॉलिक्यूलर स्पेस है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, देखो गैस में सबसे ज़्यादा होता है बट इसके अंदर भी इसके कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। यानी यहाँ पे देखो एक यहाँ पे है तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यानी देखो ये ऑर्डर में नहीं है, ये डिसऑर्डर में है। तो यहाँ पे एंट्रोपी ने क्या बताया, एंट्रोपी ने यही तो बताया कि अगर कोई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो उसके अंदर जो हमारा रैंडमनेस है या फिर डिसऑर्डरनेस है वो यहाँ पे इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे इस वाले सॉलिड से लिक्विड यानी कि बर्फ़ का पानी में पिघलना, अगर हम लोग इस वाले एग्जांपल को देखें तो यहाँ पे जो हमारा एंट्रोपी है इसने यहाँ पे काम कर दिया। तो एंट्रोपी को अगर हम लोग यहाँ पे अब एक वर्ड में डिफाइन करना चाहें एंट्रोपी को, तो एंट्रोपी यहाँ पे क्या है कि एंट्रोपी अगर इंक्रीज होगी तो हमारी प्रोसेस जो है स्पॉन्टेनियस होगी। और इंक्रीज होने का यहाँ पे क्या मतलब है, यानी एंट्रोपी यहाँ पे पॉजिटिव होगी। तो एंट्रोपी अगर पॉजिटिव है तो प्रोसेस हमारी क्या है, स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, और अगर इसी का उल्टा कर दे तो एंट्रोपी अगर हमारी नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, प्रोसेस हमारी हो जाएगी नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो अब यहाँ पे चलो एंथैल्पी तो चलो हमारी फेल हो गई थी तो एंट्रोपी तो हमारी पास हो गई, तो एंट्रोपी में कहाँ दिक्कत आई। देखो एंट्रोपी में यहाँ पे कहाँ पे दिक्कत आई, ऐसे हमारी बहुत सारी गैसेस देखी गई। ठीक है, ऐसी हमारी बहुत सारी गैसेस देखी गई जो कि क्या होता है कि नॉर्मल जो है अपने आप जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं। यानी कि ऐसी बहुत सारी गैसेज होती है जिनका यहाँ पे लिक्विफिकेशन हो जाता है। तो अगर इस प्रोसेस को हम लोग देखें तो ये भी हमारी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ठीक है, लेकिन अगर गैस और लिक्विड को देखें तो गैस क्या हमारे मॉलिक्यूल्स देखो बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, बहुत दूर दूर, यानी इनके अंदर रैंडमनेस बहुत ज़्यादा होती है। वहीं लिक्विड की बात करें तो यहाँ पे देखो मॉलिक्यूल्स जो है दूर तो होते हैं लेकिन अगर गैस से कंपेयर करें तो बहुत पास ही में होते हैं। देखो जो हमारे यहाँ पे लिक्विड है, देखो मॉलिक्यूल्स तो इसके अंदर भी दूर होते हैं लेकिन अगर गैस से कंपेयर करें तो यार गैस से तो कम होते हैं। यानी इसकी जो हमारी रैंडमनेस है या फिर कह सकते हो कि डिसऑर्डरनेस है वो हमारी यहाँ पे लेस है और गैस की यहाँ पे ज़्यादा है। लेकिन एंट्रोपी के हिसाब से तो जो भी हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है, जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसकी यहाँ पे जो रैंडमनेस है वो बढ़नी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो हमारे रिएक्टेंट की रैंडमनेस बढ़ रही है। तो यहाँ पे हमारा जो है एंट्रोपी भी कुछ कुछ जगह जो है फेल कर गया। तो यहाँ पे अभी तक देखो हम लोगों ने क्या देखा, हमारा जो एंथैल्पी है, ठीक है, एंथैल्पी ने हमारा क्या बताया, अब इस चीज़ को थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। एंथैल्पी ने बताया कि अगर हमारा डेल्टा एच निगेटिव है, ठीक है, निगेटिव है तो हमारा प्रोसेस जो है स्पॉन्टेनियस होगा, है ना, स्पॉन्टेनियस। और एंट्रोपी ने क्या बताया, एंट्रोपी ने कि अगर हमारा डेल्टा एच, अच्छा हाँ, यहाँ पे एंट्रोपी को हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा एस से। ठीक है, डेल्टा एस मतलब चेंज इन एंट्रोपी। देखो यहाँ पे एंथैल्पी को हम लोग डिनोट करते हैं एच से, ठीक है, एंथैल्पी को, एंट्रोपी को करते हैं एस से, लेकिन ये दोनों हमारे किसी काम के नहीं है, हम लोग बेसिकली यहाँ पे चेंज को ही मेजर करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा डेल्टा एस है, एंट्रोपी ने बताया कि अगर एंट्रोपी जो है पॉजिटिव है यानी अगर रैंडमनेस बढ़ रही है तो हमारी प्रोसेस जो है स्पॉन्टेनियस होंगी। तो हम लोगों ने देखा कि एंथैल्पी हमारी नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस है, एंट्रोपी अगर हमारी पॉजिटिव है तो स्पॉन्टेनियस है, और ये दोनों ही जो है कहीं कहीं जो है फेल कर गई। तो फाइनली अब हमारी एंट्री होने वाली है गिब्स फ्री एनर्जी की। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि कोई भी जो हमारी प्रोसेस है या फिर कोई भी जो हमारी रिएक्शन है, ठीक है, तो उसकी यहाँ पे स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनिटी को समझाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे दो पैरामीटर्स को चेक कर लिया। पहला था हमारा यहाँ पे एंथैल्पी, ठीक है, और दूसरा था हमारा यहाँ पे एंट्रोपी, लेकिन दोनों ही यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है फेल कर गए। तो अब हमारा यहाँ पे फाइनल एंट्री किया हमारे यहाँ पे गिब्स फ्री एनर्जी ने, गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका नाम गिब्स फ्री एनर्जी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ये गिब्स नाम के एक साइंटिस्ट के द्वारा दी गई थी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप लोग एक चीज़ देखना कि जो हमारी एंथैल्पी थी इसने हमारा क्या बताया कि एंथैल्पी अगर हमारी नेगेटिव है, ठीक है, यानी डेल्टा एच हमारा यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है, तो हमारी प्रोसेस जो है स्पॉन्टेनियस होगी। और एंट्रोपी ने क्या बताया कि अगर डेल्टा एस, देखो एंट्रोपी को हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा एस से, और अगर डेल्टा एस हमारा पॉजिटिव है तो हमारी प्रोसेस क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। यानी दोनों ने यहाँ पे अपने अपने तरीके से बताया और दोनों यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी जगह फेल हो गए। लेकिन अगर क्या हो कि अगर इन दोनों को ही हम लोग कंबाइन कर दें, यानी कि अगर मान लो कोई प्रोसेस है, देखो ध्यान से समझना, अगर कोई प्रोसेस है मान लो उसके लिए हमारा डेल्टा एच भी नेगेटिव आ रहा है और डेल्टा एस उसका पॉजिटिव आ रहा है, तो अगर दोनों ही पैरामीटर किसी एक प्रोसेस पे फॉलो हो जाए तो वो प्रोसेस तो हमारी डेफिनेटली स्पॉन्टेनियस हो जाएगी।
देखो दोनों ही यहाँ पे क्या कर रहे थे, दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहे थे। जहाँ पे हमारा एंट्रोपी हो रहा था वहाँ पे हमारा एंथैल्पी नहीं काम कर रहा था, और जहाँ पे हमारा एंथैल्पी काम कर रहा था वहाँ पे हमारा एंट्रोपी फेल कर जा रहा था। लेकिन अगर ये दोनों मिलके किसी एक प्रोसेस या फिर रिएक्शन के लिए काम कर जाए, यानी अगर हम लोग किसी रिएक्शन को मेजर करें और उसका एंथैल्पी भी हमारा निगेटिव आ जाए और एंट्रोपी भी हमारा पॉजिटिव आ जाए, यानी दोनों ही सही हो जाए, तो वो प्रोसेस तो हमारी पक्की तरीके से स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। तो गिब्स फ्री एनर्जी ने क्या किया, गिब्स फ्री एनर्जी ने यहाँ पे इन्हीं दोनों को मिक्स करने का काम किया। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी गिब्स फ्री एनर्जी है इसको हम लोग सबसे पहले डिनोट करते हैं जी से। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला हमारा निकल के आया जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस। ठीक है, जो कि यहाँ पे एच हमारा क्या हो गया, एच हमारा हो गया यहाँ पे एंथैल्पी, एच हमारा हो गया हमारे यहाँ पे एंथैल्पी, और एस हमारा यहाँ पे क्या हो गया एंट्रोपी। ओके, एस हमारा एंट्रोपी, और टी हमारा क्या है, टी हमारा हो गया हमारे यहाँ पे टेम्परेचर, यानी कोई भी जो हमारी रिएक्शन है या फिर जो प्रोसेस है उसके दौरान जो भी टेम्परेचर रहता है वो हमारा हो गया टी। लेकिन जैसा कि हम लोग को पता है कि ये जो जी एच और एस है ये हमारे किसी भी काम के नहीं है, हमारे काम की क्या चीज़ें हैं, हमारा काम का है डेल्टा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इन सबका जो है चेंज मेजर करेंगे। तो जो हमारा यहाँ पे फाइनल फॉर्मूला निकल के आया डेल्टा एच, तो डेल्टा एच हमारा निकल के आया इज इक्वल टू, और टोटल के आगे हम लोग डेल्टा लगा देंगे अगर, ठीक है, टोटल के आगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा डेल्टा एच माइनस डेल्टा टी इंटू डेल्टा एस। तो यहाँ पे देखो ये हमारी गिब्स फ्री एनर्जी की जो है इक्वेशन निकल के आई। अब यहाँ पे भी अगर एक चीज़ हम लोग देखें कि मान लो अगर कोई रिएक्शन हमारी हो रही है, तो जब तक वो रिएक्शन हो रही है उस दौरान जो हमारा टेम्परेचर है वो नॉर्मली जो है कॉन्स्टेंट ही रहेगा। यानी कि अगर मान लो कोई रिएक्शन है और अगर वो मान लो हो रही है तो उस दौरान बार बार हम लोग टेम्परेचर तो चेंज करेंगे नहीं, तो टेम्परेचर तो हमारा कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे, तो हमारी जो फाइनल इक्वेशन निकल के आती है, देखो ये है हमारी फाइनल इक्वेशन, फाइनल, ठीक है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी, देखो क्योंकि टी हमारा कॉन्स्टेंट है तो यहाँ पे हमारा डेल्टा हट गया, टी डेल्टा एस। तो ये हमारी निकल के आई हमारी गिब्स फ्री एनर्जी की फाइनल इक्वेशन। तो यहाँ पे जो हमारी गिब्स फ्री एनर्जी है डेल्टा जी है, इसने क्या बताया कि अगर जो हमारा कोई भी रिएक्शन है अगर हम लोग उसके डेल्टा जी को मेजर करें, जिसको हम लोग मेजर करेंगे इस फॉर्मूले के थ्रू, अगर डेल्टा जी हमारा आ रहा है नेगेटिव, देखो बिल्कुल यहाँ पे अपने कान और दिमाग को खोल लो, अगर डेल्टा जी हमारा नेगेटिव आ रहा है तो हमारी प्रोसेस जो है डेफिनेटली स्पॉन्टेनियस होगी। यहाँ पे इस यूनिवर्स में कोई भी प्रोसेस हो, कोई भी रिएक्शन हो, अगर उसका डेल्टा जी नेगेटिव आ रहा है तो वो प्रोसेस हमारी कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस। और अगर डेल्टा जी हमारा यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है तो हमारी प्रोसेस क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर हमारा कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो उसका डेल्टा एच हमारा क्या होना चाहिए, देखो अगर नॉर्मली बात करें तो डेल्टा एच हमारा क्या होना चाहिए, नेगेटिव, और डेल्टा एस हमारा पॉजिटिव। तो देखो यहाँ पे जो हमारा डेल्टा जी है वो काम तभी करेगा जब ये हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा और ये हमारा पॉजिटिव होगा। देखो अगर हम लोग मान लो कोई भी एक रैंडम सी वैल्यू लें, मान लो डेल्टा एच की वैल्यू हम लोग मान लेते हैं, डेल्टा एच की वैल्यू हम लोग मान लेते हैं -7, क्योंकि हमारा नेगेटिव है, कोई भी हमारी प्रोसेस है अगर उसका डेल्टा एच हमारा मान लेते हैं -7 है डेल्टा एच, है ना, और हमारा जो डेल्टा एस है ये हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसको हम लोग मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, चलो हम लोग मान लेते हैं इसको 5 मान लेते हैं। देखो एक रैंडम नंबर हम लोग ले रहे हैं, और टेम्परेचर हम लोग मान लेते हैं कि हम लोगों ने कुछ टेम्परेचर मेंटेन किया है, मान लेते हैं चलो 25 डिग्री हम लोगों ने मेंटेन किया है, ठीक है 25 डिग्री, अब टेम्परेचर तो हमारा पॉजिटिव नेगेटिव होगा नहीं, तो यहाँ पे जो हमारा डेल्टा जी है अगर हम लोग इसको जो है कैलकुलेट करना चाहें, तो डेल्टा जी देखो अगर हम लोग इस वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट करें तो क्या आएगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच, तो डेल्टा एच हमारा कितना है -7, है ना, और उसके बाद यहाँ पे देखो माइनस का साइन है, और टी डेल्टा एस, तो टी हमारा कितना है 25, और डेल्टा एस कितना है 25 इंटू 5, अब इसको अगर हम लोग टोटल करें तो -7 -25 इंटू 5 कितना हो जाएगा -125, अगर माइनस माइनस को हम लोग क्या करें तो माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन साइन हमारा किसका आएगा माइनस का, तो ये हमारा कितना हो जाएगा इज इक्वल टू टोटल -132। यानी देखो यहाँ पे क्या हुआ, डेल्टा जी की ओवरऑल वैल्यू क्या आई, हमारी नेगेटिव आई। तो यहाँ पे देखो इस चीज़ ने यही तो बताया कि डेल्टा जी क्या है, डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तो प्रोसेस हमारी स्पॉन्टेनियस है, और अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो अपने आप ही जो हमारा डेल्टा एच है वो हमारा नेगेटिव हो जाएगा, और डेल्टा एस हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा।
देखो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा अपना दिमाग को एक्टिवेट रखना है। यहाँ पे हर चीज़ें ना बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप लोग देख के समझ जाओगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तब समझ में आएंगी। देखो बिल्कुल सिंपल है, कुछ है नहीं। यहाँ पे डेल्टा जी ने क्या किया, डेल्टा जी ने यहाँ पे इन दोनों को ही कंबाइन करने का काम किया, एंथैल्पी और एंट्रोपी को। अब एंथैल्पी हमारी क्या कहती है कि निगेटिव होगी तो स्पॉन्टेनियस, और एंट्रोपी हमारी क्या कहती है पॉजिटिव होगी तो स्पॉन्टेनियस। तो यहाँ पे इन दोनों को कंबाइन करके हमारा डेल्टा जी यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी बन गया। और गिब्स फ्री एनर्जी हमारा क्या होगा, ओवरऑल यहाँ पे इनकी वैल्यू जो है अगर निगेटिव आ रही है तो प्रोसेस हमारी होगी स्पॉन्टेनियस, और अगर पॉजिटिव आ रही है तो प्रोसेस होगी हमारी नॉन स्पॉन्टेनियस। आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। तो देखो अब हम लोग यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने जो भी चीज़ें देखी हैं उसी को थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन में जल्दी जल्दी देख लेते हैं। जैसे कि एंथैल्पी हमारा क्या होता है, एंथैल्पी इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट टेकन और रिलीज्ड बाय अ सिस्टम ड्यूरिंग अ केमिकल प्रोसेस, ठीक है। यानी कि कोई भी जो हमारी प्रोसेस हो रही है उसमें कितनी हीट एब्जॉर्ब हो रही है या फिर कितनी रिलीज हो रही है। द चेंज इन एंथैल्पी इज डिनोटेड बाय डेल्टा एच। अब अगर डेल्टा एच हमारा नेगेटिव है तो हमारी हीट या फिर एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, रिएक्शन हमारी एक्जोथर्मिक होगी, प्रोसेस हमारी स्पॉन्टेनियस होगी, है ना, वही सारी चीज़ें हैं। और अगर डेल्टा एच हमारा पॉजिटिव है तो क्या होगा, हीट या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, प्रोसेस हमारी एंडोथर्मिक होगी और नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। और बात करें हम लोग यहाँ पे एंट्रोपी के बारे में, तो एंट्रोपी यहाँ पे सिंपली डिफाइंड एज मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस ऑफ सिस्टम। अब यहाँ पे चेंज इन एंट्रोपी को हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा एस से। अब अगर डेल्टा एस हमारा पॉजिटिव है तो हमारी क्या होगी, रैंडमनेस बढ़ेगी, प्रोसेस हमारी क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। और अगर डेल्टा एस हमारा निगेटिव है तो प्रोसेस क्या होगी, रैंडमनेस डिक्रीज होगी, प्रोसेस होगी नॉन स्पॉन्टेनियस। देखो बस एक चीज़ समझ लो, डेल्टा एच हमारा निगेटिव होगा, डेल्टा एस हमारा पॉजिटिव होगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ठीक है, अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। और डेल्टा जी क्या होगा, डेल्टा जी हमारा ऑलवेज निगेटिव, सिंपल। और फ्री एनर्जी, अब देखो फ्री एनर्जी या फिर गिब्स फ्री एनर्जी दोनों एक ही चीज़ें हैं, कन्फ्यूज नहीं होना है। अब चूंकि देखो हम लोग इसको थोड़ा सा अपनी बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ रहे हैं तो हम लोग को थोड़ा सा अपनी बायोलॉजिकल डेफिनेशन को भी साथ में रखना है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग फ्री एनर्जी को डिफाइन करेंगे, द फ्री एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज डिफाइंड एज एनर्जी दैट इज एक्चुअली अवेलेबल टू डू वर्क। यहाँ पे देखो फ्री एनर्जी की हम लोगों ने एक डेफिनेशन दे दी है। नॉर्मली देखो क्या होता है कि कोई भी सिस्टम है, जैसे अगर हम ही लोग बात करें अपनी, तो देखो एनर्जी यहाँ पे दो तरीके की होती है, एक होती है स्टोर फॉर्म में और एक होती है जो एक्चुअल में अवेलेबल होती है, मतलब वो यहाँ पे फ्री होती है कि उससे आप लोग जो है आराम से कोई भी काम कर सकते हो। तो फ्री एनर्जी यहाँ पे इसी तरीके से इसका नाम पड़ा है, ठीक है, कि यहाँ पे ये फ्री होती है और इसको जो है यहाँ पे सिस्टम जो है कोई भी काम करने के लिए यूज करता है। अब इसको हम लोग यहाँ पे गिब्स फ्री एनर्जी के नाम से भी जानते हैं जैसा कि हमें पता है। और यहाँ पे चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी डिनोटेड बाय डेल्टा जी। अब अगर डेल्टा जी हमारा निगेटिव है, प्रोसेस हमारी स्पॉन्टेनियस है, एक्जोथर्मिक है या फिर एक्जरगोनिक है। देखो यहाँ पे ये चीज़ बहुत ही सिंपल है कि जो भी प्रोसेस हमारी स्पॉन्टेनियस होगी वो हमारी हमेशा एक्जोथर्मिक होगी, यानी उसमें हमें एनर्जी देनी नहीं पड़ेगी बल्कि एनर्जी सिस्टम में रिलीज होगी। देखो तभी तो वो स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस का क्या मतलब है, जो कि अपने आप हो जाए। जब अपने आप हो रही है तो हमें एनर्जी देनी थोड़ी पड़ेगी, एनर्जी रिलीज होगी, वही चीज़ है। और डेल्टा जी अगर हमारा पॉजिटिव आ रहा है तो प्रोसेस हमारी नॉन स्पॉन्टेनियस है और रिएक्शन हमारी क्या है, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब क्या है, एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, ठीक है, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। और अगर एनर्जी हमें देनी पड़ रही है तो वो प्रोसेस क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। और बात करें हम लोग यहाँ पे रिलेशनशिप फॉर्मूला बिटवीन चेंज इन फ्री एनर्जी एंथैल्पी एंड एंट्रोपी का, तो हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है कि डेल्टा जी हमारा क्या होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस अंडर द कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड कॉन्स्टेंट प्रेशर, ठीक है। अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट नहीं होगा तो यहाँ पे भी डेल्टा आ जाएगा, जो कि जनरली होता ही है, कॉन्स्टेंट ही होता है। और हेयर इन द अबव फॉर्मूला अगर हम लोग बात करें तो डेल्टा जी क्या होता है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा एच हमारा क्या होता है, चेंज इन एंथैल्पी, टी हमारा टेम्परेचर इन केल्विन, देखो इन केल्विन, ठीक है, और डेल्टा एस हमारा क्या हो गया, चेंज इन एंट्रोपी। तो यहाँ पे देखो ये हमारा एक बहुत ही मेजर पोर्शन था जो कि कई लोग यहाँ पे रट लेते हैं, बट आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। अब हम लोग यहाँ पे अपने एक छोटे से टॉपिक के बारे में और देख लेते हैं, जो कि हमारा डिफरेंस बिटवीन एक्जोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी आप लोग को देखने को मिल जाता है, तो देखो आप लोग ऑलरेडी समझ चुके हो, बस उसी चीज़ को हम लोग थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन में देख लेते हैं। देखो एक्जोथर्मिक क्या होता है, जो कि हीट को रिलीज करती हैं, एंडोथर्मिक जो कि रिलीज को एब्जॉर्ब करती हैं। देखो एंडो, एंडो मतलब एब्जॉर्ब, एक्जो मतलब रिलीज बाहर, एक्जो मतलब क्या होता है बाहर, एंडो मतलब क्या होता है अंदर, यानी ये हीट को अंदर ले रही हैं, एब्जॉर्ब कर रही हैं, और एक्जो मतलब ये बाहर छोड़ रही हैं, है ना, हीट को रिलीज कर रही हैं। अब जैसे एक्जोथर्मिक रिएक्शन हमारी क्या होती है, रिप्रेजेंट्स द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, हमें पता है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। एक्जोथर्मिक रिएक्शन रिलीजेज हीट एनर्जी टू द सराउंडिंग्स, और एंडोथर्मिक क्या होता है, रिएक्शन एब्जॉर्ब्स हीट एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स, दे डू नॉट नीड एनर्जी टू बिगिन द रिएक्शन। यानी जो हमारी एक्जोथर्मिक है ये अपने आप ही हो जाती है, हमें कोई भी एनर्जी वगैरह देने की जरूरत नहीं पड़ती है।
दे ऑलवेज नीड एनर्जी टू बिगिन द रिएक्शन, यानी कि अगर हमें अपनी एंडोथर्मिक रिएक्शन को करवाना है तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। अब यहाँ पे एंट्रोपी ऑफ एक्जोथर्मिक रिएक्शन इंक्रीज। अब देखो एक्जोथर्मिक रिएक्शन हमारी क्या होती है, स्पॉन्टेनियस होती है, और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए हमारी रैंडमनेस या फिर एंट्रोपी क्या होती है, बढ़ती है। बढ़ती मतलब पॉजिटिव, इंक्रीज, है ना। और एंट्रोपी ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन डिक्रीज, हमेशा घटती है। और एंथैल्पी हमारी क्या होगी, एंथैल्पी हमारा निगेटिव होगा। देखो बिल्कुल उल्टा रहता है, एंट्रोपी पॉजिटिव, एंथैल्पी निगेटिव। मैं बार बार आप लोग को ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग बिल्कुल अपने दिमाग में फिट कर लो, ठीक है, ताकि आप लोग कभी भूलो ही मत। और एंथैल्पी हमारा क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन इज पॉजिटिव। देखो ये दोनों बिल्कुल अपोजिट होते हैं। अब गिब्स फ्री एनर्जी क्या होगा, देखो ये हमारा हमेशा निगेटिव होगा। देखो यहाँ पे एक चीज़ आप लोग देखना, यहाँ पे मैंने लिखा है ऑलवेज, जबकि यहाँ पे मैंने ऑलवेज नहीं लिखा है, क्योंकि यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या देखा था, ये दोनों कभी कभी चेंज हो जाते हैं, लेकिन गिब्स फ्री एनर्जी हमारा क्या होगा, ऑलवेज निगेटिव होगा। अगर कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो गिब्स फ्री एनर्जी हमारा ऑलवेज निगेटिव होगा। दे आर ऑल्सो नोन एज एक्जरगोनिक रिएक्शन। अब देखो एक्जोथर्मिक को हम लोग यहाँ पे एक्जरगोनिक के नाम से भी जान सकते हैं, और एंडोथर्मिक को हम लोग यहाँ पे एंडरगोनिक के नाम से भी जान सकते हैं। अब देखो अगर हम लोग इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि जो हमारा एक्जोथर्मिक है उसमें हमारा गिब्स फ्री एनर्जी निगेटिव होता है, यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे देखो ये हमारा गिब्स फ्री एनर्जी और टाइम का ग्राफ है, तो देखो गिब्स फ्री एनर्जी देखो ये हमारा ऊपर है, तो यहाँ पे देखो ये रिएक्टेंट की हाई है, और जब प्रोडक्ट बन गया तो क्या हो गया, लो हो गई। देखो हाई से लो हो गई, है ना। और वहीं अगर एंडोथर्मिक की बात करें तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, लो से हाई हो गई, ठीक है, यानी गिब्स फ्री एनर्जी बढ़ गई, पॉजिटिव हो गई। पॉजिटिव हो गई तो एंडोथर्मिक, देखो जो हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन है उसमें जो हमारी गिब्स फ्री एनर्जी है वो प्रोडक्ट की ज़्यादा होगी और रिएक्टेंट्स की कम होगी, लेकिन जो हमारी एक्जोथर्मिक रिएक्शन है उसमें हमारी गिब्स फ्री एनर्जी रिएक्टेंट्स की ज़्यादा होगी, प्रोडक्ट की कम होगी, क्योंकि ये हमारी डिक्रीज हो जाएगी। समझ रहे होगे यार, ये तो बहुत सिंपल है। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि हमारा यहाँ पे रेडॉक्स पोटेंशियल। अब देखो रेडॉक्स पोटेंशियल क्या होता है, वैसे ही देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे दो नंबर में ही पूछा जाता है, तो हम लोग इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ऊपर ऊपर से थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। अब रेडॉक्स तो आप लोग को बताइए, हम लोगों ने यहाँ पे एनालिसिस में देखा था। रेडॉक्स मतलब क्या होता है, रेडॉक्स मतलब होता है हमारी ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हमारा रिडक्शन भी होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है। देखो रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। देखो जो हमारा रेडॉक्स पोटेंशियल है ये हमारा दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, पहला हो गया हमारा रेडॉक्स और दूसरा हो गया पोटेंशियल, जिसमें रेडॉक्स हमारा रिडक्शन ऑक्सीडेशन। अब देखो जो हमारा रिडक्शन है उसके अंदर क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो हमारा ऑक्सीडेशन है उसके अंदर क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के टर्म में भी हम लोग बात कर सकते हैं, लेकिन मेनली हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के टर्म में ही बात करेंगे। तो जो हमारा रिडक्शन है उसके अंदर होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर कोई प्रोसेस उसका रिडक्शन हो रहा है, कोई भी रिएक्शन है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, और वहीं ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। और अगर ऑक्सीजन के टर्म में बात करें तो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का गेन होगा, रिडक्शन में क्या होगा, ऑक्सीजन का लॉस होगा। और हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में रिडक्शन में क्या होगा, हाइड्रोजन का गेन होगा, ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन का लॉस होगा। देखो ज़्यादा कन्फ्यूज मत हो, बस जितना सिंपली लिखा हुआ है उतना समझ लो। तो रिडॉक्स पोटेंशियल की अगर हम लोग एक डेफिनेशन की बात करें तो रिडॉक्स पोटेंशियल को हम लोग यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल के नाम से भी जान सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। रिडॉक्स पोटेंशियल इज सिंपली अ मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ अ रिडॉक्स कपल टू डोनेट और एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। देखो थोड़ा सा समझना, देखो रिडॉक्स पोटेंशियल हमारा क्या होता है, रिडॉक्स पोटेंशियल हमारा एक टाइप का मेजरमेंट होता है किसी भी रिडॉक्स कपल के लिए। अभी रिडॉक्स कपल हम लोग देख रहे हैं क्या होता है, अभी सिंपली समझो कि कोई भी अगर रिडॉक्स कपल है, ठीक है, तो वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है या फिर इलेक्ट्रॉन को जो है एक्सेप्ट कर सकता है। तो उस चीज़ को यहाँ पे जो हम लोग मेजर करते हैं वही होता है हमारे यहाँ पे रिडॉक्स पोटेंशियल। यानी रिडॉक्स पोटेंशियल हमारा जो है एक टाइप का मेजरमेंट होता है जिससे हम लोग ये बता सकते हैं कि कोई भी रिडॉक्स कपल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा या फिर जो है उसको एक्सेप्ट करेगा। अब रिडॉक्स कपल क्या होता है, देखो रिडॉक्स कपल यहाँ पे क्या होता है, व्हेन अ सब्सटेंस एग्जिस्ट इन बोथ ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड फॉर्म देन द पेयर इज कॉल्ड रिडॉक्स कपल। यानी कि अगर कोई सब्सटेंस है वो यहाँ पे ऑक्सीडाइज फॉर्म में भी है और रिड्यूस फॉर्म में भी है, तो उसको हम लोग यहाँ पे रिडॉक्स कपल बोलते हैं। देखो यहाँ पे इसका एक एग्जांपल होता है NAD+ और NADH। अब ये क्या होते हैं, देखो ये होते हैं हमारे एक टाइप के को एंजाइम। अब इनके बारे में हम लोग को आगे डिटेल में पढ़ना है, बाकी को एंजाइम क्या होते हैं। अब को एंजाइम होते हैं जो कि एंजाइम की हेल्प करते हैं। अब एंजाइम क्या होता है, देखो अभी ज़्यादा परेशान मत हो, अभी आप लोग देखो इन सब के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है, सिंपली आप लोग इतना समझो कि ये हमारे एक टाइप के को एंजाइम होते हैं। अब यहाँ पे देखो जो हमारा NAD+ है, ध्यान से देखना, जो हमारा NAD+ है और जो हमारा NADH है,
तो यहाँ पे जो हमारा NAD प्लस है, देखो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमारा प्लस चार्ज है, ठीक है, यानी ये हमारा क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। देखो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का लॉस है, और यहाँ पे इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे गेन है। देखो बेसिकली वैसे तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन के टर्म में है, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का भी गेन हो रहा है, ठीक है, और हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है। तो चाहे हाइड्रोजन का लॉस हो चाहे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन है ना। और अगर यहाँ पे हाइड्रोजन या फिर इलेक्ट्रॉन का गेन हो तो हम लोग उसको बोलते हैं रिडक्शन। तो अगर किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं कि वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। और अगर किसी का रिडक्शन होता है हम लोग उसको क्या बोलते हैं कि वो रिड्यूस्ड फॉर्म में है। तो यहाँ पे जो हमारा NAD है, ठीक है, NAD प्लस है, देखो ये तो हमारा ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों ही फॉर्म में है, तो इसीलिए इस तरीके के फॉर्म को हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स कपल, ठीक है, यानी NAD प्लस हमारा ऑक्सीडाइज फॉर्म में है, NADH हमारा क्या है, रिड्यूस्ड फॉर्म में है। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारे रिडॉक्स कपल है, ये हमारे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे या फिर डोनेट करेंगे, इसी को मेजर करते हैं हम लोग अपने रिडॉक्स पोटेंशियल के थ्रू। अब देखो यहाँ पे मेजरमेंट कैसे करेंगे, हम लोग पता कैसे लगाएंगे कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे या डिनोट करेंगे। देखो यहाँ पे हमारी दो कंडीशन होती हैं, अगर हमारा रिडॉक्स पोटेंशियल मेजर करने पे नेगेटिव आ रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, ग्रेटर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। देखो इसको सिंपली समझो, यहाँ पे सॉरी सिंगल ओ होगा, यहाँ पे सिंगल समझो कि अगर हमारा कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, रिडॉक्स कपल है, जो कि अगर हम लोग उसका रिडॉक्स पोटेंशियल मेजर कर रहे हैं और अगर वो नेगेटिव आ रहा है तो यहाँ पे क्या हो गया, ग्रेटर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा या फिर कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ठीक है। और अगर किसी रिडॉक्स कपल का रिडॉक्स पोटेंशियल मेजर करने पे पॉजिटिव आ रहा है तो उसका क्या होगा, ग्रेटर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, यानी वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो सिंपल है, अगर नेगेटिव है तो क्या करेगा, लॉस करेगा या फिर कह सकते हो कि डोनेट करेगा, और या फिर पॉजिटिव है तो एक्सेप्ट करेगा, सिंपल है। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ है कि इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज फ्लो फ्रॉम नेगेटिव रिडॉक्स पोटेंशियल टू पॉजिटिव रिडॉक्स पोटेंशियल। देखो बहुत ही सिंपल है यार, पॉजिटिव वाला क्या कह रहा है, ग्रेटर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, तो जो एक्सेप्ट करेगा उसी की तरफ तो इलेक्ट्रॉन भागेगा। या फिर इसको सिंपली समझो कि इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होता है, देखो इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज में होता है, तो नेगेटिव वाला हमेशा पॉजिटिव की तरफ ही तो भागेगा, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हमेशा पॉजिटिव रिडॉक्स पोटेंशियल की तरफ जो है अट्रैक्टेड होता है। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने एक और नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है हमारे यहाँ पे एनर्जी रिच कंपाउंड्स। अब देखो मुझे पता है कि वीडियो थोड़ी लंबी बन रही है, बट देखो हम लोग यहाँ पे सारे ही टॉपिक्स को एक ही वीडियो में कवर कर रहे हैं, तो वीडियो मतलब ऑब्वियसली थोड़ी सी लंबी तो बनेगी। तो आप लोग एक काम कर सकते हो, इसको 2-3 बार में देख लेना, कोई जरूरी थोड़ी है कि एक वीडियो आप लोग एक ही बार में पूरी देखना। बाकी यार यहाँ पे टॉपिक्स तो हमें कवर करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो बात करते हैं हम लोग यहाँ पे एनर्जी रिच कंपाउंड्स के बारे में। देखो इसका नाम क्या है, एनर्जी रिच कंपाउंड्स, यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जो कि एनर्जी में रिच होते हैं, यानी जिनके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। तो यहाँ पे एनर्जी रिच कंपाउंड्स को हम लोग यहाँ पे हाई एनर्जी कंपाउंड्स भी बोलते हैं। यहाँ पे देखो इसकी एक पैरामीटर भी होता होगा, यानी कैसे हम लोग बताएंगे कि कोई कंपाउंड हमारा हाई एनर्जी है। तो यहाँ पे देखो, दोज कंपाउंड्स विच रिलीज एट लीस्ट और मोर देन, यानी कि या तो इसके बराबर हो या तो इससे ज़्यादा हो, कितना, 7 कैलोरी पर मोल एनर्जी एट PS7 आर नोन एज एनर्जी रिच कंपाउंड्स। यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जो कि 7 PH पर जो है 7 कैलोरी पर मोल एनर्जी, या तो इतनी एनर्जी या तो इससे ज़्यादा एनर्जी अगर रिलीज कर रहे हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पे एनर्जी रिच कंपाउंड्स बोलते हैं। अब देखो इसको यहाँ पे जो है ATP के पैरामीटर से भी कंपेयर किया जाता है, ठीक है, यानी कि हम लोग इसको ये भी बोल सकते हैं कि ऐसे कंपाउंड्स जो कि ATP के बराबर या फिर ATP से ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर रहे हो, उसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी रिच कंपाउंड्स। तो यहाँ पे देखो, नाउ सिंस मोस्ट एनर्जी रिच कंपाउंड्स कंटेन फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, कंटेन फॉस्फेट ग्रुप, हैंस दे आर ऑल्सो नोन एज हाई एनर्जी फॉस्फेट्स। अब यहाँ पे देखो हमारे जितने भी एनर्जी रिच कंपाउंड्स हैं अभी हम लोग देखने वाले हैं, तो मोस्टली एक दो को छोड़कर मोस्टली आप लोग को जो है फॉस्फेट ग्रुप उनके अंदर जरूर देखने को मिलेगा, इसीलिए एनर्जी रिच कंपाउंड्स को हम लोग हाई एनर्जी फॉस्फेट्स भी बोलते हैं। नाउ सर्टेन अदर कंपाउंड्स विच लिबरेट्स लेस दैन 7 कैलोरी पर मोल एनर्जी आर रेफर्ड एज लो एनर्जी कंपाउंड्स। अब देखो अगर कोई कंपाउंड है वो 7 कैलोरी पर मोल के बराबर या फिर उससे ज़्यादा कर रहा है, तो हमारा क्या हो गया, हाई एनर्जी कंपाउंड। और अगर मान लो कोई इससे कम कर रहा है तो ऑब्वियसली हमारा लो एनर्जी हो जाएगा, सिंपल है ना। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड्स के बारे में, यानी कि कितने टाइप के एनर्जी रिच कंपाउंड्स हम, देखो ये बेसिकली हमारी बॉडी की बात हो रही है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर देखने को मिलती हैं, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं बायोकेमिस्ट्री, यानी कि हमारी जो बॉडी है उसके अंदर केमिस्ट्री जो है वही चीज़ें तो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे क्लासिफिकेशन की बात करें तो देयर आर बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ हाई एनर्जी और एनर्जी रिच कंपाउंड्स।
पहला हो गया हमारे यहाँ पे पायरोफॉस्फेट, अभी इन लोग को डिटेल में देख रहे हैं, ठीक है। पहला हो गया पायरोफॉस्फेट, दूसरा हो गया एसाइल फॉस्फेट, थर्ड हो गया एनॉल फॉस्फेट, फोर्थ हो गया थायोल इस्टर्स, और फिफ्थ हो गया हमारे यहाँ पे ग्वानिडो फॉस्फेट। तो यहाँ पे देखो, जो हमारा थायोल इस्टर है इसको छोड़ के आपको जो है बाकी सभी कंपाउंड्स में फॉस्फेट देखने को मिलेगा। ये बेसिकली हमारा एक एक्सेप्शन होता है। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले अपने पायरोफॉस्फेट्स के बारे में। अब देखो एक चीज़ आप लोग समझो, यहाँ पे जो हमारे एनर्जी रिच कंपाउंड्स हैं, यानी जिनकी हम लोग बात करें एनर्जी रिच कंपाउंड्स, तो देखो यहाँ पे जो हमारे कंपाउंड्स हैं, जैसे अगर वो एनर्जी रिच हैं, एक चीज़ आप लोग समझो, अभी देखो ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, लेकिन सिंपली समझो कि कोई भी कंपाउंड अगर एनर्जी रिच है, इसका मतलब क्या है, वो एनर्जी रिलीज करेगा। तो कोई भी कंपाउंड एनर्जी रिलीज कैसे करता है, एक चीज़ हमेशा अपने दिमाग में रखना, कोई भी कंपाउंड अगर एनर्जी रिलीज करता है तो वो रिलीज होती है बॉन्ड के ब्रेकेज से। यानी कि कोई भी कंपाउंड जब उसका यहाँ पे बॉन्ड वगैरह ब्रेक होता है तभी यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। यानी सिंपली आप लोग ये कह सकते हो कि जो एनर्जी रिच कंपाउंड्स हैं इनके अंदर भी बेसिकली हम लोग बात करें तो एनर्जी हमारे बॉन्ड्स के अंदर ही होती है, सारे बॉन्ड्स के अंदर नहीं होती है। देखो कोई भी जो हमारा कंपाउंड है उसके हर बॉन्ड के अंदर एनर्जी नहीं होगी, कोई एक स्पेशल बॉन्ड होगा जिसके अंदर यहाँ पे एनर्जी होती है, और वही बॉन्ड जब यहाँ पे ब्रेक होता है तो हमारी क्या होती है, एनर्जी जो है रिलीज होती है। यानी कि बेसिकली एनर्जी रिच कंपाउंड्स के अंदर भी एनर्जी हमारी बॉन्ड्स के अंदर ही होती है। तो पायरोफॉस्फेट्स की बात करें तो यहाँ पे जो हमारे एनर्जी बॉन्ड्स होते हैं, द एनर्जी बॉन्ड्स इन पायरोफॉस्फेट्स आर एसिड एनहाइड्राइड बॉन्ड, यानी इनका नाम क्या होता है, एसिड एनहाइड्राइड बॉन्ड। दीज बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाई कंडेंसेशन ऑफ एसिड ग्रुप्स, मेनली फॉस्फोरिक एसिड। यानी यहाँ पे जो हमारा बॉन्ड है, ये हमारा एसिड एनहाइड्राइड बॉन्ड है, ये हमारा जो है कुछ हमारे एसिड ग्रुप्स होते हैं, मेनली हमारा फॉस्फोरिक एसिड होता है, यानी मेनली जो हमारा फॉस्फेट ग्रुप होता है उसके यहाँ पे कंडेंसेशन से फॉर्म होते हैं। अब देखो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है हमारा एटीपी। अब देखो एटीपी के बारे में हम लोग अभी बात नहीं करेंगे, ठीक है, जस्ट अभी थोड़ी देर बाद एटीपी के बारे में हम लोग बहुत डिटेल में बात करेंगे, तब आप लोग को ये वाली चीज़ हम वहाँ पे बताएंगे, ठीक है। तो अभी इस चीज़ को अभी थोड़ा सा स्किप कर दो, अभी हम लोग बाकी चारों को समझते हैं। इस पायरोफॉस्फेट को हम लोग जो है थोड़ी देर में बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, ठीक है, अभी हम लोग बाकी चार को डिस्कस कर लेते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे अपने एसाइल फॉस्फेट्स के बारे में, तो द हाई एनर्जी बॉन्ड्स इन दिस कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय रिएक्शन बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एंड फॉस्फेट ग्रुप। यानी यहाँ पे जो हमारा हाई एनर्जी बॉन्ड है वो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और फॉस्फेट ग्रुप के बीच में रिएक्शंस की वजह से देखने को मिलता है। देखो यहाँ पे कैसे रिएक्शन होती है, देखो ये होता है हमारा, क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, देखो यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये हमारा क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो नहीं पता है तो जान लो, ये तो आप लोग को मतलब छोड़ने नहीं वाला है पीछे आप लोग का, कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा ही देखने को मिलता रहेगा। तो जब हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड और हमारे फॉस्फेट ग्रुप के बीच में रिएक्शन होती है, अब देखो इसका भी जनरली एक स्ट्रक्चर होता है, हम लोग नॉर्मली मान लो इसको एक मतलब समझ लेते हैं फॉस्फेट है हमारा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जब रिएक्शन होती है तो हमारा देखो कैसे होता है, यहाँ पे जो हमारा सी डबल बॉन्ड ओ है और ओ है, तो यहाँ पे ये एच हमारा जो है रिप्लेस हो जाता है और फॉस्फेट ग्रुप हमारा यहाँ पे अटैच हो जाता है। तो यहाँ पे देखो जब इस तरह का हमारा जो बॉन्ड होता है, तो ये वाला जो हमारा बॉन्ड है, देखो ये वाला बॉन्ड, ठीक है, ये होता है हमारा यहाँ पे एसाइल फॉस्फेट के अंदर हाई एनर्जी बॉन्ड। अब इसका एग्जांपल का हमारा क्या होता है, 1,3-bifosphoglycerate। और बात करें हम लोग यहाँ पे अपने इनॉल फॉस्फेट्स के बारे में, द हाई एनर्जी बॉन्ड्स प्रेजेंट हेयर इज इनॉल फॉस्फेट बॉन्ड, यानी इसका नाम क्या होता है, इनॉल फॉस्फेट बॉन्ड। इट इज फॉर्म्ड व्हेन फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड टू अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप विच इज बॉन्डेड टू अ कार्बन एटम हैविंग डबल बॉन्ड। देखो इस लाइन को थोड़ा समझना, इट इज फॉर्म्ड व्हेन फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब देखो हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी कैसा होना चाहिए, हाइड्रोक्सिल ग्रुप विच इज बॉन्डेड टू अ कार्बन एटम हैविंग डबल बॉन्ड। देखो यानी कि एक ऐसे कार्बन एटम से बाइंड होना चाहिए जिसके पास वो डबल बॉन्ड, कार्बन के पास। देखो यहाँ पे देखो इस चीज़ को देखो, यहाँ पे देखो ये हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है OH। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जब हमारा किसी ऐसे कार्बन से बाइंड होता है जिसके पास होता है डबल बॉन्ड, तो देखो इस कार्बन के पास यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड है, तो जब ऐसा हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारा फॉस्फेट के साथ यहाँ पे रिएक्शन करता है तब जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो होता है हमारा यहाँ पे इनॉल फॉस्फेट बॉन्ड। तो यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच में अगर हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो हमारा कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा, सी डबल बॉन्ड CH। देखो ये पूरा कंपाउंड हम लोग नहीं बना रहे, हम लोग अपना मेन वाला ही चीज़ देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हमारा इस H की जगह हमारा क्या आ जाएगा, P है ना, फॉस्फेट ग्रुप। तो ये होता है हमारा यहाँ पे इनॉल फॉस्फेट। और बात करें हम लोग यहाँ पे अपने थायोल इस्टर्स के बारे में, तो देखो इसके अंदर हमारा फॉस्फेट नहीं देखने को मिलता है, इन दिस कंपाउंड देयर इज नो फॉस्फेट ग्रुप, इंस्टीड इट हैज हाई एनर्जी थायो इस्टर बॉन्ड। यानी इसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता है। देखो जनरली हमारे जितने भी हाई एनर्जी कंपाउंड है उनके अंदर फॉस्फेट ग्रुप होता है, क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप ही हमारा एनर्जी का एक मेजर सोर्स होता है, लेकिन यहाँ पे हमारा हाई एनर्जी होता है थायो इस्टर बॉन्ड।
नाउ थायोएस्टर बॉन्ड रिजल्ट्स फ्रॉम द रिएक्शन बिटवीन थायोल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। देखो यहाँ पे समझना, देखो यहाँ पे जो हमारा थायोएस्टर बॉन्ड है ये कब फॉर्म होगा, जब हमारी थायोल और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में रिएक्शन होगी। अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड तो चलो हमें पता है क्या होता है, COOH बार बार ही देखने को मिलता रहता है, लेकिन अब ये हमारा थायोल क्या होता है? तो देखो ऑल क्या होता है, ऑल मतलब क्या होता है, ऑल मतलब अल्कोहल, हमें पता है ना, और अल्कोहल हमारा क्या होता है OH। तो यहाँ पे देखो जब OH में से हम जो है ऑक्सीजन को रिमूव करके जो है अपने सल्फर को ऐड कर देते हैं तो हमारा बन जाता है थायोल, ठीक है थायोल। और जब हम लोग यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड और इस थायोल के बीच में रिएक्शन कराते हैं तो जो हमारा यहाँ पे कंपाउंड फॉर्म होता है वो हमारा क्या होता है थायोल ईस्टर। यहाँ पे देखो क्या होता है सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे इस ओ की जगह देखो इस OH की जगह पूरा हमारा यहाँ पे आ जाता है SH, तो ये हो जाता है हमारा यहाँ पे थायोल ईस्टर। तो थायोल ईस्टर्स बॉन्ड सॉरी हाँ थायोस्टर बॉन्ड्स रिजल्ट्स फ्रॉम द रिएक्शन बिटवीन थायोल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका एग्जांपल हो जाता है हमारा यहाँ पे एस्टाइल कोएंजाइम ए। तो ये एस्टाइल कोएंजाइम ए आप लोगों को बहुत ज़्यादा देखने को मिलने वाला है आने वाले यूनिट्स में और लेक्चर्स में और सेमेस्टर्स में भी, ठीक है। और बात करें हम लोग यहाँ पे अपने गुआनिडो फॉस्फेट्स के बारे में, दे आर ऑल्सो नोन एज फॉस्फोजेंस, यानी इसको हम लोग यहाँ पे फॉस्फोजेंस के नाम से भी जानते हैं। द हाई एनर्जी बॉन्ड हेयर इज गुआनिडीन फॉस्फेट बॉन्ड्स, और इसका एग्जाम्पल हमारा क्या हो गया फॉस्फोक्रिएटिन। अब देखो ये सारे जो बॉन्ड्स हैं और जो भी हैं ये आप लोग को नोट्स में मिल जाएंगे, अभी थोड़ा सा टाइम कम था तो मैं इसको लिख नहीं पाया हूँ, बट नोट्स में आप लोग को डेफिनेटली देखने को मिल जाएंगे। तो फाइनली हम लोग बात करते हैं अपने ATP के बारे में। अब देखो ATP का फुल फॉर्म हमारा क्या होता है, ATP का फुल फॉर्म होता है हमारा यहाँ पे एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो हमारा ATP है ना, ATP ये हमारा कुछ नहीं होता, ये हमारा एक टाइप का न्यूक्लियोटाइड होता है, न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, अब अगर आप लोगों ने न्यूक्लिक एसिड का लेक्चर देखा है तो आप लोग को पता होगा, और अगर नहीं देखा है तो यहाँ से आप लोग लेक्चर बंद ही कर दो क्योंकि समझ में तो कुछ आने वाला नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पे ATP का जितना भी स्ट्रक्चर देखेंगे वो हमारा उसी वाले लेक्चर से कम्प्लाइज है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को जो है समझने के लिए इससे आगे अगर आप लोग को समझना है तो न्यूक्लिक एसिड वाला टॉपिक देखना पड़ेगा, जहाँ पे हम लोगों ने DNA RNA और यहाँ पे अपने न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर को काफ़ी डिटेल में देखा था। तो अगर आप लोग को यहाँ से आगे लेक्चर समझना है तो सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड वाला टॉपिक देख लेना, और अगर देखा हुआ है तो बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा ATP है ना, ये हमारा क्या होता है, एक टाइप का मल्टी फंक्शनल न्यूक्लियोटाइड कोएंजाइम। अब देखो ये भी हमारा एक टाइप का कोएंजाइम होता है, अभी हम लोग इसके स्ट्रक्चर पे आ रहे हैं, पहले हम लोग थोड़ा सा इसका थ्योरी पोर्शन देख लेते हैं। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी इन ऑल सेल्स, यानी कि हमारे पूरी बॉडी में ही ATP जो है एनर्जी का सबसे मेजर फॉर्म होता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, यानी कि देखो सेल के अंदर यहाँ पे इसको हम लोग एनर्जी करेंसी भी बोल सकते हैं। देखो एनर्जी करेंसी का क्या मतलब है, यानी कि सेल के लिए समझ लो कि ये एक टाइप का सेल का पैसा हमारा समझ लो ATP ही होता है, ठीक है। करेंसी मतलब क्या होता है, पैसा है ना, तो यहाँ पे सेल का जो भी आप कह सकते हो कि करेंसी है वो ATP ही होती है, यानी ATP के थ्रू ही यहाँ पे सेल जो है अपने सारे काम परफॉर्म करता है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाई फॉस्फोराइलेशन एंड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अब देखो ये सारी चीज़ों को हम लोग जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने HAP में, अभी हम लोग यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम लोग सिर्फ अपने ATP के एक बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को ही देखेंगे। नाउ इट इज़ यूज्ड बाय एंजाइम्स एंड स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स इन मैनी सेल्यूलर प्रोसेस, यानी कि बहुत सारी सेल्यूलर प्रोसेस में हमारा एंजाइम्स होते हैं और स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होते हैं, उनके द्वारा इसका जो है कंजम्पशन किया जाता है। अब यहाँ पे वन मॉलिक्यूल ऑफ ATP कंटेन्स 3 फॉस्फेट ग्रुप्स, देखो इसका नाम ही है ATP एडनोसिन ट्राईफॉस्फेट, यानी इसके अंदर जो है 3 फॉस्फेट ग्रुप देखने को मिलते हैं। अब देखो हम लोग बात करें अपने स्ट्रक्चर ऑफ ATP के बारे में, तो यहाँ पे देखो ये हमारा सिंपली एक न्यूक्लियोटाइड का ही स्ट्रक्चर है। अब ये चीज़ आप लोग को तभी समझ में आएगी जब आप लोग यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड वाला लेक्चर देखोगे। तो यहाँ पे देखो अगर हम लोग अपने ATP के स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इसके अंदर आप लोग को जो नाइट्रोजेनस बेस देखने को मिलेगा वो हमारा कौन सा होगा, एडेनिन। देखो नाइट्रोजेनस बेस हमारे यहाँ पे 5 टाइप के होते हैं, एडेनिन ग्वानिन ठीक है साइटोसिन और थायमिन यूरेसिल, लेकिन यहाँ पे इसके अंदर सिर्फ एडेनिन होगा। देखो इसका नाम क्या है, एडेनोसिन, यानी कि एडेनिन ही होगा इसके अंदर। और इसके अंदर जो हमारी शुगर है वो भी हमारी कौन सी होगी, राइबोस शुगर। इसके अंदर आप लोग को डीऑक्सीराइबोस शुगर नहीं देखने को मिलेगी क्योंकि ATP का सिंथेसिस हमारा RNA ही करता है, तो इसके अंदर हमारी शुगर होगी राइबोस। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसके अंदर आप लोग को 3 फॉस्फेट ग्रुप देखने को मिलेंगे, ठीक है। देखो अगर हम लोग अपने नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे सिंगल फॉस्फेट ग्रुप से भी हमारा न्यूक्लियोटाइड बन जाता है, लेकिन ATP के अंदर स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है कि इसके अंदर यहाँ पे 3 फॉस्फेट ग्रुप देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे इसका स्ट्रक्चर अगर आप लोगों ने न्यूक्लिक एसिड वाला लेक्चर देखा है।
और अगर नहीं देखा है तब भी यार चलो, अगर कोई बात नहीं, नहीं देखा है समझ तो गई होगी, कुछ है तो है नहीं इसमें, क्या है। अब देखो यहाँ पे देखो, इस चीज़ को समझना बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है। अगर हम लोग सिर्फ अपने राइबोस शुगर और एडनिन की बात करें तो अपने इस इतने पार्ट को हम लोग बोलते हैं एडिनोसिन, ठीक है। अब अगर मान लो इसके साथ जो है सिंगल फॉस्फोरिक एसिड का ग्रुप जुड़ गया तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। देखो मोनोफॉस्फेट यानी कि सिंगल फॉस्फेट। और अगर हम लोग यहाँ पे मान लो दो एटीपी ग्रुप को कंसाइडर करें, ठीक है, दो, एक को छोड़ दे, तो हमारा क्या होगा, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। और अगर हम लोग तीनों को यहाँ पे जोड़ ले रहे हैं सबके साथ तो हमारा क्या होगा, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। यानी ये पूरा हो गया हमारा यहाँ पे एटीपी का स्ट्रक्चर। और अगर इसमें से दो माइनस कर दे तो एएमपी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, और अगर यहाँ पे एक माइनस कर दें और दो को रहने दे तो एडेनोसिन डाइफॉस्फेट एडीपी। देखो यहाँ पे एटीपी ना तीन तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब एटीपी नहीं, यहाँ पे इसका हाइड्रोलिसिस होता है, तो यहाँ पे एटीपी जो है एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है, और एडीपी का भी हाइड्रोलिसिस होता है तो एएमपी में कन्वर्ट हो जाता है। एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो यहाँ पे द एनर्जी फ्रॉम एटीपी इज रिलीज्ड बाय ब्रेकिंग ऑफ हाई एनर्जी फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड्स विया हाइड्रोलिसिस। अब देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो हम लोग डिस्कस करना ही बोल गए। देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको बिल्कुल ध्यान से देखना। देखो ये जो हमारा एटीपी का स्ट्रक्चर है, तो इसमें देखो हमारा जो ये वाला बॉन्ड है इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और हमारा जो ये वाला बॉन्ड है, ध्यान से देखना, यहाँ पे जो ये हमारा ये वाला फॉस्फेट ग्रुप है जो कि हमारा कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो इस वाले बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। देखो यहाँ पे इसको हम लोग एनहाइड्राइड बॉन्ड नहीं बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। और यहाँ पे देखो ये जो फॉस्फेट और फॉस्फेट, देखो इन दोनों, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड जो कि हमारा फॉस्फेट ग्रुप्स के बीच में है, इसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड। देखो यहाँ पे समझना, अगर इन तीनों फॉस्फेट को हम लोग थोड़ा अलग से बनाएं, देखो यहाँ पे पी डबल बॉन्ड हो, ओ पी डबल बॉन्ड हो, ओ पी डबल बॉन्ड ओ, है ना, यही तो है। और यहाँ पे ये वाला क्या है, डायरेक्टली कार्बन से लिंक है। तो देखो हमारा जो ये वाला बॉन्ड है, ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। तो देखो यहाँ पे जो ये वाला बॉन्ड है जो कि कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, ये हमारा हाई एनर्जी बॉन्ड नहीं है, ठीक है, नहीं है, यानी इससे हमें कोई भी एनर्जी वगैरह नहीं मिलेगी। हमारा हाई एनर्जी बॉन्ड कौन सा है, हमारा हाई एनर्जी बॉन्ड है ये वाला और ये वाला। देखो इसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फो एनहाइड्राइज बॉन्ड, फॉस्फो एनहाइड्राइज, एनहाइड्राइज बॉन्ड, ठीक है, एनहाइड्राइज बॉन्ड। तो यहाँ पे देखो ये जो ये दोनों बॉन्ड है, यानी कि ये वाले और ये वाले, जब ये यहाँ पे ब्रेक होंगे तब यहाँ पे एटीपी से जो है हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी देखने को मिलती है। यानी यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो अगर हम लोग अपने एटीपी का हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, यानी वाटर के साथ इसका जो है रिएक्शन करा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो है एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है हमारा रिलीज हो जाएगा, जिससे क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। और अगर इस एडीपी का हम लोग दोबारा से हाइड्रोलिसिस कराएं तो हमारे यहाँ पे ये फिर से जो है एएमपी में कन्वर्ट हो जाएगा, एक और फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। और अगर हम लोग चाहें तो एटीपी का जो है डायरेक्टली भी एएमपी में हाइड्रोलिसिस करवा सकते हैं और हमारे यहाँ पे दो जो है फॉस्फेट ग्रुप जो है रिलीज हो जाएंगे। अब देखो जो हमारी बॉडी है ना, इसके अंदर हमारी एटीपी और एडीपी की एक साइकिल चला करती है। देखो थोड़ा सा समझना, देखो हम लोग जब कोई भी खाना खाते, देखो जो हमारा एटीपी है, ठीक है, जब इससे यहाँ पे क्या होता है, इसका यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होता है तो यहाँ पे ये एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है और एनर्जी रिलीज होती है। और जो एनर्जी रिलीज होती है उससे हमारा क्या होता है, जो भी सेलुलर वर्क होता है हमारी बॉडी के अंदर, जितनी भी बायोलॉजिकल रिएक्शन है वो होती हैं। लेकिन उसके बाद देखो एटीपी का दोबारा से भी तो फॉर्मेशन जरूरी है। तो जो हमारा एडीपी है, तो जब भी हम लोग कोई खाना खाते हैं तो यहाँ पे क्या करता है, एडीपी जो है उससे एनर्जी ले लेता है, किस फॉर्म में, ग्लूकोज से, ठीक है, और यहाँ पे फिर से एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हमारी एक पूरी साइकिल चला करती है, यानी एटीपी का सिंथेसिस भी हुआ करता है और ब्रेकडाउन भी चला करता है, और इस तरीके से हमारी बॉडी में एनर्जी का एक ट्रांसफर जो है हमें देखने को मिलता रहता है। और फाइनली हम लोग बात करें अपने बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस या फिर फंक्शंस ऑफ एटीपी के बारे में। तो देखो वैसे तो हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शन हैं सभी एटीपी के द्वारा होते हैं, जैसे कि एटीपी इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी विद इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे देखो, इट इज़ यूज्ड इन द मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब अगर आप लोगों ने अपने फर्स्ट सेमेस्टर में मसल कॉन्ट्रैक्शन वाला टॉपिक देखा था, तो वहाँ पे जब हम लोग लास्ट में गए थे अपने साइकिल में, तो वहाँ पे हमारा एटीपी यूज हो रहा था, ठीक है। और बात करें, इट इज़ यूज्ड इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। अब देखो जो हमारा ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन वाला टॉपिक था, तो उसमें हमारे ट्रांसपोर्ट दो टाइप के थे, पहला था हमारा पैसिव और दूसरा था एक्टिव। तो जो पैसिव था वो तो अपने आप हो जा रहा था, लेकिन जो एक्टिव था उसके लिए एटीपी की ज़रूरत पड़ रही थी।
तो अगर आप लोगों ने वो सारी चीज़ें पता पढ़ी है तो पता ही होगा, अगर नहीं भी पढ़ी है तो जान लो यार ठीक है कि हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, सेल मेम्ब्रेन हो रहा है, इम्पल्स फॉर्मेशन अभी हम लोग उसको अपने नर्वस सिस्टम में देखेंगे, और मेटाबॉलिक प्रोसेस हमारी बॉडी में जितनी भी प्रोसेस होती हैं, और उसके बाद हमारा जो साइक्लिक एएमपी होता है उसका प्रीकर्सर होता है। अब देखो यहाँ पे एक टॉपिक हमारा और हो जाता है साइक्लिक एएमपी, ठीक है, सीएएमपी, तो ये भी हमारा जो है हमारे कोर्स में दे रखा है। तो देखो ये टॉपिक आप लोग को नोट्स में डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा, अभी थोड़ा सा टाइम कम था, बाकी इसमें कुछ है नहीं। देखो साइक्लिक एएमपी क्या है, देखो एएमपी हमारा क्या है, एडनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो एडनोसिन मोनोफॉस्फेट में देखो, एडनोसिन मोनोफॉस्फेट का हम लोग एक जनरल स्ट्रक्चर बनाए, तो देखो ये हो गई हमारी यहाँ पे पेंटोज शुगर, है ना, ये पेंटोज शुगर हो गई, और ये हो गया हमारा यहाँ पे क्या हो गया, नाइट्रोजनस बेस हो गया, ठीक है, नाइट्रोजनस बेस हो गया, ये हो गया नाइट्रोजनस बेस। देखो गलत हो जाए तो थोड़ा माइंड मत करना। अब देखो एडनोसिन मोनोफॉस्फेट का मतलब क्या हुआ कि सिंगल फॉस्फेट ग्रुप हमारा अटैच है ना, सिंगल फॉस्फेट ग्रुप हमारा अटैच है। तो यहाँ पर देखो जब हमारा ये फॉस्फेट ग्रुप अगर हमारा नॉर्मली अटैच है तो हम लोग उसको बोलते हैं एएमपी, और जब हमारा ये फॉस्फेट ग्रुप एक साइकिल के फॉर्म में अटैच हो जाता है, देखो इसका स्ट्रक्चर आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये फॉस्फेट ग्रुप ना एक तरह की साइकिल में बंद हो जाता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं साइक्लिक एएमपी। बस इतना सही है, बाकी इसमें कुछ है नहीं। अब इसका भी कुछ यहाँ पे बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है, तो वो सारी चीज़ें आप लोग को नोट्स में देखने को मिल जाएंगी, और मुझे नहीं पता कि यहाँ पे लेक्चर कितना लंबा बना है, ठीक है, अभी इसको एडिट वगैरह करने के बाद देखते हैं, बट मुझे लगता है कि शायद अभी तक का सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ वाला लेक्चर होगा, तो आप लोग इसको 2-3 पार्ट में देखना। बाकी यार आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना कि ये सारे टॉपिक आप लोग को समझ में आए कि नहीं आए, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पार्ट था अभी तक का, और बहुत ज़्यादा मेरा भी दिमाग बस्ट हो गया है, ठीक है, रात के बज रही हैं 2 और हम लोगों ने रिकॉर्डिंग चालू करी थी अप्रॉक्स 12 बजे, तो 2-3 पार्ट में रिकॉर्ड किया है, देखते हैं अब इसको एडिट वगैरह करते हैं, और कल सुबह तक आप लोग को लेक्चर देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।